शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। राधा, देख किसे लाया हूँ। देख कौन है। टीका हो गया? कुछ नहीं, मगर राधा, तू इस तरह काहे चली? हमने तेरे बाप को वचन दिया था, इसीलिए तो उन्हें वसूली की मोटर बढ़ा दी थी। अब जाने कहाँ होगा, कैसा बदला लेगा तेरा बाप हमारे भैया से। हमसे रहा नहीं गया शिव, हम तो मरने गए थे, सुखिया भैया ने हमें बचा दिया। राधा। हाँ, तू तो हमेशा यही समझता था कि हम सिर्फ धमकी देते हैं। हमने भगवान के सामने तुझे पत्नी मान लिया है, इसीलिए तेरे पास चले आए। अगर तू आसरा देना नहीं चाहता तो कह दे, हम कहीं भी चले जाएंगे, पर तुझ पर कभी बोझ नहीं बनेंगे, कभी बोझ नहीं बनेंगे। ऐसा मत कह राधा, आ तू नहीं जानती तुझे छोड़कर आने में हमें कितनी तकलीफ है, पर क्या करें, भैया की जमीन के लिए हमें ये सब करना पड़ा। हम दोनों तो भैया के सौतेले भाई, लेकिन भैया और बहुजी ने हमें अपने बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। आज भैया की सारी तकलीफ मोती भैया के लिए है, इसीलिए तो ये प्रायश्चित हमें करना पड़ा। शिव, का जमीन ही तेरे लिए सब कुछ है, हम कुछ भी नहीं। का बात करती है, का तू नहीं जानती तू हमारे लिए का है। एक बरस से कलकत्ते में है, पर कसम ले ले जो किसी भी लड़के की तरफ आंख उठाकर देखा हो। मत रो राधा, मत रो। क्या हुआ था सुखिया? और का राधा किशन का मिलन हो रहा है। राधा, शिवा है क्या? अरे कहाँ जा रहा है, हम तो जीठ हैं। शिव, 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 ये क्या हुआ तुझे? कुछ भी तो नहीं, बस यही चोट लग गई थी। आखिर मुझसे ऐसा कौन सा कसूर हो गया कि तू एक साल से कलकत्ते में और एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया? धरती कहे पुकार के, धरती कहे पुकार के, ओ मुझको चाहने वाले किस लिए बैठा हार के, मेरा सब कुछ उसी का है जो चूले मुझको प्यार से, धरती कहे धरती कहे पुकार के। अजब सी बात जिस पे मुझको हंसना आए, है अजब सी बात जिस पे मुझको हंसना आए, जो मुझी से है वो मेरी माटी से शर्माए, आपास मेरे मतवाले भरम ये क्यों बेकार के, मेरा सब कुछ उसी का है जो चूले मुझको प्यार से, धरती कहे पुकार के, धरती कहे पुकार के, धरती कहे। Thank you.
हम घर जा रहे थे भैया। अरे मुखिया, ये बात टूट गए, हम लोग सब से नाच गए। अरे क्या हो गया रे परपतिया, क्या हुआ? तार में क्या लिखा है? अरे तार में सत्यानाशी के सिवा और क्या लिखा होगा? ये तो सचमुच कोई खराब खबर लगती है भैया। गंगा भैया सुनो, ओ गंगा भैया, अरे हुआ क्या है? अरे कुछ मत पूछो मास्टर, कुछ मत पूछो, हमारे घर में तार आया। तार देखो। काओ क्या मास्टर, काहे हंस रहे हे मास्टर? अरे इस तार में तो खुशखबरी है गंगा भैया। खुशखबरी? क्या खुशखबरी? तुम्हारा भाई मोती वकील बन गया। हाँ, वकालत में फर्स्ट आया है। सच? अरे सच कह रहे हो मास्टर? अरे पर्वतिया सुन रही है, हमार मोतिया वकील हो गया। अरे मास्टर तेरी पढ़ के सुना, हमने क्या लिखा है मोतिया ने? पढ़ने का अपकारक है, हम तो पहले ही कहा था, ये तो देखो तार में लिखा का है। तू चुप रहना, लिखा का है, तू तो टू क्लास भी पास नहीं हो पाया। ए मास्टर नहीं नहीं, इधर इधर। अरे तू लोग का मेला लगाए हो, सुन तो लियो क्या बात है, चुप नहीं कर भागो। हाँ ये लिखा है कि तुम्हारा भाई मोती। अरे नहीं मास्टर, अंजनी में, अंजनी में जरा सुनू तो सही कि हमार मोतिया का अंजनी लिखी है। अरे शिव हुआ का खड़ा है आके सुन तो सही। स्टूड फर्स्ट इन LLB, रीचिंग डे आफ्टर मोती। अरे बात है मोतिया, सुना हमार मोतिया टूट फाट बिल बिल हो गया, टूट फाट बिल बिल हो गया। अरे लामाटा तार दे आओ, तार दे आओ। अरे शिव, अरे पर्वतिया बोल ना, आज हम क्या कटाना रे? अच्छा हम जरा जाए के आज सारे गांव को तो सुनाया हुआ है कि हमार मोतिया टूट फाट बिल बिल हो गया। अरे वकील हो गया, अरे अरे वकील हो गया। शिव मास्टर जी को बैठने को तो बोल, मुंह मीठा किए बिना आज हम ना ही जाने देंगे। लाइए भाभी मिठाई, मैं बैठता हूँ। ऐशु। हाँ मास्टर जी। कहाँ भाग रहा है? अरे नहीं मास्टर जी, हम कहाँ भाग रहे, हम तो यही हैं। अब देखा लिखाई पढ़ाई की क्या जरूरत है, इसीलिए तो कहता हूँ तुम सब रात को स्कूल आया करो, लेकिन तुम लोग मेरी बात सुनते ही नहीं। वो बात तो ठीक है मास्टर जी, पर क्या बताएं, स्कूल जाने में हमें शर्म लगती है। शर्म? लिखाई पढ़ाई में शर्म की क्या बात है रे पगले? अब देखो ना, एक खुशी का टेलीग्राम आया, तुम सबने मिलकर रोना धोना शुरू कर दिया। इस जमाने में तुम एक टेलीग्राम भी नहीं पढ़ सकते। अरे लाओ जल्दी लाओ रे भौजी। लीजिए मास्टर जी, मुंह मीठा कीजिए। बड़ा शैतान है तू, देख आज रात अगर तू स्कूल नहीं आया। लाओ जी मास्टर जी के लिए पानी लेके आता। नहीं नहीं, अब हम बकवास बिल्कुल नहीं सुनना चाहते, बिल्कुल नहीं। हम बर्बाद हो जाएंगे अगर ये जमीन भी चली गई तो हम क्या करें? हमारे घर में रुपया का कुआं है, ये कुआं है, 15 दिन में रुपया वापस कर दो। हाँ मगर हजूर। सुनेम जी, अगर ये 15 दिन में रुपया वापस नहीं करे तो इसके सारे कागजात सुंदरलाल को दे दीजिए, ये वकील क्या पहुंचा दे। नहीं नहीं हजूर। बाबू सब सुन लिया है भाई, सब सुन लिया। अच्छा मिठाई कब खिला रहे? हरी बाबू ये सब आपा की मेहरबानी, आपने जमीन रख के रुपया न दिया होता तो आज मोतिया वकील। अरे गंगा राम, मोतिया पहले ही से होनहार लड़का था, उसने तो सारे गांव का नाम रोशन कर दिया। गंगा राम रोशन कर दिया। बैठो बैठो। अरे यार नहीं भाई, ऊपर बैठा गंगा राम, ऊपर बैठो भाई। तुम भी क्या कम हो गंगा राम, अपने सौतेले भाई के लिए कौन इतना करता है? क्यों सुंदरलाल सभी करते हो? नहीं नहीं, कौन करता? हाँ कोई नहीं करता गंगा राम, कोई नहीं करता। हरी बाबू इस सब आपका आशीर्वाद है, बस एक विनती और है कि जैसे इतने दिन चुप रहे थोड़ा सा बखत और दे, जैसा ही मोतिया कमाना शुरू करेगा हम थोड़ा थोड़ा करके सब कर्जा चुका देंगे आपका। वो तो चुकाना ही पड़ेगा भाई। तुम चुप रहो, हम जरूरी बातें कर रहे हैं। हम चुप है सरकार। हाँ तो गंगा राम बाबू,
तुम कर्जा चुकाने की बात कर रहे थे तो तुम तो जानते ही हो कि हमें रुपए पैसे का बिल्कुल लालच नहीं। वक्त पर कितने लोग रुपया ले जाते हैं, कोई दे जाता है और कोई नहीं भी देता। तो खैर, अब तुम्हें जमीन छुड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने सोचा है कि वो जमीन मोतिया को हम यूं ही दे दें। कहा? बहुत दिनों से हमारे दिमाग में एक बात है, कहो तो कह दे। बोले ना बाबू। गंगाराम, आखिर हम बेटी के बाप हैं, अर्ज तो हम ही को करना होगा। अगर तुम्हें इतराज न हो तो हम चाहते हैं कि अपनी बेटी राधा का हाथ मोतिया के हाथ में दे दूं। हाय, ऐसे
हम जानते हैं दादा तू गुस्से में है, पर क्या करें, तुझे नहीं मालूम हमारे घर में काका हो गया, अगर तू सुनेगी ना तो का? तुमने कभी ये भी सोचा हम तुझे काहे छुप छुप के मिलते हैं, घंटा घंटा तेरी राह देखते हैं? काहे नहीं सोचा, हम दोनों बचपन के साथी हैं, एक साथ खेले कूदे, हम तेरे लिए गन्ने तोड़ के लाते हैं और अमृत तोड़ कर लाते हैं। अरे तू तो अभी भी गुस्से में है? देख शिव, अब हम बड़े हो गए, हमरा इस तरह मिलना जुलना अच्छा नहीं, हम कभी नहीं आएंगे और तू भी हमें नहीं बुलाना। क्या हो गया दादा, आज तू कैसी उल्टी पुल्टी बातें कर रही है? अरे ये कहा शिव, तूने कभी ये भी सोचा है कि हम लड़की हैं? तूने सोचने का कहा है, होता है, हमें शादी हो जाएगी। अरे वो तो सभी लड़कियों की होती है। हम ससुराल चले जाएंगे, तुझसे बिछड़ जाएंगे। तो क्या हुआ, हम चले आएंगे तेरे ससुराल तुझसे मिलने, और फिर तू भी तो आएगी कभी कभी अपने मायके। तेरी भी तो शादी हो जाएगी। हमारी शादी कैसे होगी, अभी तो हम छोटे हैं, पहले मोती भैया की होगी तब ना। अजीब उजबक लड़की है, बिछड़ने के डर से दुखी हो रही है। कहती है तेरी भी तो शादी हो जाएगी। सब लोग बोले कि बड़ी खुशी की बात है, हमें ताड़ी पिलाओ, तो हम कहा पी ले। तुम काहे पिया? काहे पिया? अरे वो लोग बोले आज खुशी का दिन है, थोड़ी तुम भी पी ले। और तुमने पी ली? हाँ। फिर कभी पी तो तुम्हारा एक दिन या हमारा एक दिन। ये बात? हाँ। ठीक है, नहीं पिएंगे, पर हमारी रानी, अरे हमारे दिल की दुल्हन। क्या हुआ मुझे? उसी के मारे ताड़ी पी कर आए हैं। भैया चलो उठो, ओ भैया चलो खाना खा लो। खाना खा ले, खाना खा ले। इले जाके तू भी थोड़ी सी ताड़ी पी ले। ओए राम, क्या बोल रहे हो, जरा होश में तो आओ। अरे क्या होश होश की बात करती है, अरे इतनी खुशी की बात है कि तू सुनेगी तो तू भी ताली पीएगी। कहाँ खड़ा खड़ा दांत निकलता है, खड़ा बहुत पानी लाके सर पे तो डाल। भैया भैया चलो ना। अरे कहाँ चलो चलो करता है, जानता है क्या बात है भैया? अरे बताऊं क्या बात है, पहले ले जाओ फिर बताना है। हाँ ले जाओ, आप ले। अब बताऊं क्या बात है? अरे अरे मेरा मोतिया, अरे कैसा काबिल हो गया रे मोतिया। पर्वतिया, अरे पर्वतिया का? अरे चिड़क काहे को है, पहले पूरी बात तो सुन ले। जानती है मोतिया की बात सुन के हरि बाबू कहा बोले, मेरा हाथ पकड़ के बोले कि गंगाराम तुम्हें जमीन छुड़ाना नहीं होगा, मैं मोतिया को जमीन ऐसे ही दे दूंगा। का? अरे और क्या बोले मालूम है, बोले गंगाराम मेरी बेटी राधा को मोती की बहू बना ले। सच सच कह रहे भैया? अरे का सच सच लगा रखा है, ताड़ी के नशे में सब उठपटांग बक रहा है। अरे नहीं रे पर्वतिया, तुझे मेरी बात का भरोसा नहीं हो ना, तो शिव को भेज के हरि बाबू से पूछवा ले। हे शिव, ये का बोल रहे रे, ये का सच है? का हरि बाबू अपनी बेटी का हाथ हमरे मुतिया के हाथ में देंगे? नहीं तो का शिव के हाथ में देंगे,
तू क्लास पास नहीं किया। अरे कहा जा रहा, खाना खाके तो जा। ओफ, कितनी देर कर दी तुमने। हम तुझे कब से बुला रहे हैं और तू ऐसे चल रही है जैसे हवाखोरी करने निकली हो। और नहीं तो का, हम थोड़े ही तुझसे मिलने आए हैं। का? तुझसे कहा था ना हमें नहीं बुलाना, फिर काहे इस तरह बुलाता है। का गुस्सा है महारानी का। अरे तुझे का मालूम, हम तेरे लिए का खुशखबरी लाए हैं। हाँ चल चल, हमें नहीं सुनी तेरी खुशखबरी। अरे 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 सुन तो। छोड़ना। अरे तेरी खुशी की बात है, अब हम कभी नहीं बिछड़ेंगे, समझी। तू हमारे घर की बहू बनकर आ रही है। हाँ का? हाँ, मेरे भैया और तेरे बापू ने मिलके बात पक्की कर ली है, अभी हम हमेशा साथ रहेंगे। मोती भैया से तेरा ब्याह होने वाला है। का हुआ है? तुम पुत्तू है, उजड़ है, तू कभी नहीं समझेगा, कभी नहीं समझेगा। क्या बात है दादा, रो कह रही है? बड़ी खुशी की बात सुनाई इसलिए रोना आ गया। अच्छा होता ये खुशखबरी के साथ थोड़ा देर ले आता। मर्द होकर इतनी सी बातें तेरी समझ नहीं आती तो हम क्या करें, कैसे समझाए। कलेजा चीर के सामने रख दे, ये नदिया में डूब के जान देते, भाई क्या करे। हम जो नंदे फूटे जो तुझसे मेल हुआ, बद्दू वो चैन पे इसको चला जाओ, मैं आ गई, चला जाओ, हम तुझे देख रहे हैं। इतना अच्छा होता अगर ये बात तुमने हमें पहले समझा देती। भौजी, भौजी, नहीं भौजी नहीं मिला, सब जगह देखा है, हमको लगता है चंदनपुर चला गया। चंदनपुर? हाँ, आज रात वहाँ नौटंकी होने वाली है। चलोगी भौजी? बहुत बढ़िया नौटंकी होगी। अरे बाहर में जाए तेरी नौटंकी, अजय सुनते हो? हे भगवान, तुम चलोगी? क्या हुआ? वाह हमारा कपाट, ताड़ी पी कर सो रहे हो, वो खाना खाए बगैर नाराज होके घर से चला गया, उसका कहीं पता नहीं चलता, सुखिया सब जगह देख कर आया। कौन चला गया? और कौन? शिव। शिव? अभी तक नहीं है। अच्छा ठहर जा, ठहर जा। अरे वो मैं उसे लेके आता हूँ। सुखिया चल मेरे साथ। पर्वतिया तू चिंता मत कर, मैं उसे लेके आता हूँ। चिंता मत कर, ताड़ी पीकर सोए हैं, भाई को घर से निकाल दिया और चिंता मत कर, और क्या कर। नहीं राधा, हमने बहुत सोच लिया, अब कुछ नहीं हो सकता। ये ब्याह तो नहीं होगा शिव, कभी नहीं होगा। ऐसा होने से पहले हम अपनी जान दे देंगे। नहीं राधा नहीं, ऐसा मत बोल। जो कुछ हुआ तेरे लिए अच्छा ही हुआ, और फिर तू समझती काहे नहीं, हम तेरे काबिल भी तो नहीं। इतनी देर सोचकर का तू ये फैसला किया? का करूं राधा,
इसमें सबकी खुशी है, तेरे बापू की खुशी, मेरे भैया और भौजी की खुशी है। और हमारी बर्बादी है, ये कभी नहीं सोचा। ऐसा मत बोल राधा, तू तो जानती है मोती भैया वकील बन गए, मोती भैया से तेरा ब्याह होगा, गांव के लोग तुझे देखकर कहेंगे वकील बाबू की बहू। और हम तो 2 क्लास भी पास नहीं हुए। हम कौन सा 10 क्लास पास है, हम भी तो मोती भैया के काबिल नहीं। तेरे बापू का पैसा तुझे मोती भैया के काबिल बना देगा। बस बस रहने दे, देखिए हम भगवान की सौगंध खाकर कहते हैं तू ही हमारे पति है। हाँ, और अगर हमें तू न मिला तो हम कह देते हैं हम अपनी जान दे दे। नहीं राधा, राधा राधा सुन तो। कौन दीदी? हमार ख्याल है सुंदर चाचा की बिटिया। बिटिया? हाँ वही तो लगत है। क्या बात है भैया? बात कहा है, हम कब से तुझे ढूंढ रहे हैं। शिव, ये सुंदर लाल की बिटिया रही ना? हाँ भैया। चलो कोई बात नहीं, अब अपने घर में दूधी बहू एक साथ ही आ जाएंगी। सुंदर लाल है तो बड़ा कमीना आदमी, पर कह रहे हैं कहा अपने शिव को भी तो दुखी नहीं देख सकते। नहीं सुखिया? हाँ भैया। चलो आ जाए, सुंदर लाल से बात करते हैं। नहीं भैया, ये बात सुंदर चाचा से कभी मत करना। कहा है बात न करे ले। अच्छा चल, कुछ बात नहीं करेंगे, तू जल्दी से घर चल। तू बिना खाए पिए चला आया और वहां तेरी भौजी भूखी बैठी है, हम तो ताली पी के सोए गए। चलो चलो भैया, जल्दी घर चल। चलो सुंदरलाल, अरे हमें देख के मुंह घुमा जा रहे हो, अरे सुनो तो। अरे हम तुम्हीं को ढूंढ रहे थे भाई। तुम और हमें ढूंढ रहे थे, ये कैसे हो सकता है? अरे गंगाराम, अब तो तुम हरी बाबू के रिश्तेदार बनने वाले हो। और अब ओ, तुम अपनी बके जाओगे या हमारी भी? सुनो, अगर तुम चाहो तो तुम भी हरी बाबू के रिश्तेदार बन सकते हो। वो कैसे? हमारे घर में एक लड़का और भी तो है, अपना शिव दो का। ओ, तुम भी लड़की के बाप हो ना? है लड़की, अब सयानी हो गई है सुंदर लाल, कुछ इधर उधर का ध्यान है? ये दोनों रोज छिप छिप के शिव मंदिर में मिला करते हैं। कहा? हमने अपनी आंखों से देखा। अरे ये बात की तो हमें खबर ही नहीं पड़ी। अरे भैया, खबर पड़ती कैसे, ये आजकल के लड़के लड़कियां हैं। अच्छा छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि तुम्हें रिश्ता मंजूर है कि नहीं? मंजूर? अरे गंगाराम, तुम्हारे घर में लड़की देना तो बड़े भाग्य की बात है, और फिर से भी लड़का भी तो बहुत अच्छा है, अभी होगा भी क्यों नहीं भाई, किसका तो तुम हो गए ना हरी बाबू के रिश्तेदार। भैया असली बात तो मैं बताने भूल गया, कल अपना मोतिया आ रहा है कलकत्ता से, तो स्टेशन चलना होगा हमारा। हाँ, क्यों नहीं चलेंगे। कौन हो तू? दरअसल भीतर कहाँ घुसे चले आ रहे? घर में कोई नहीं, जाइए। अरे 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 बचाओ बचाओ, अरे कोई बचाओ। अरे झूठे, बचाओ बचाओ चिल्ला रही है, अरे घूंघट हटा के देख तो सही किया। हाँ मोतिया, हम तो डर गए, समझे कोई साहब घर में आए। हमरा मोतिया, तू तो बिल्कुल साहब लगता है रे। और मैं कैसा लग रहा हूँ भौजी? क्या बात है। बस अब कोई और बात नहीं भौजी, बहुत भूख लगी है, कितने दिन से तुम्हारे हाथ का पका खाना नहीं था। अब भी बनाती हूँ। सरदार रवि बाबू,
तो आपने हंगामा कर दिया। भला क्यों नहीं करें, मोतिया कोई हमारे तुम्हारे जैसा थोड़ी ही। कुछ खाना पीना होगा, गाना बजाना होगा। सरकार सरकार ने तो गड़बड़ हो गई, चंदनपुर का गवैया तो दूसरे गांव चला गया। चंदनलाल, आज तक तुमने कोई काम पूरा किया, अब क्या होगा? घबराने की कोई बात नहीं हुजूर, ये शिवराम जो है ना, ये भी तो अच्छा गाना गाता, बहुत अच्छा। अच्छा, क्यों रे शैतान, गाता भी है? नहीं हम गाना नहीं गाएंगे। नहीं कैसे गाएगा रे, रोज तो जंगल जंगल गाता फिरता, आज का ता नहीं गाएंगे? अरे गाएगा कैसे नहीं, अरे बाबू जरूर गाएगा। अरे शिव, आज खुशी की रात है, खुशी की बात है। हाँ भैया, तो हम भूल ही गए। अरे राजा, आज तेरे घर में इतनी खुशियाँ मनाई जा रही है और तू उदास, का हुआ रे? कुछ नहीं कुछ। अभी हमारे शिवराम जी आपको एक गाना सुनाएंगे। जरूरी बात तो हम भूल ही गए हैं। बात यह है कि आज हमारे हुजूर के घर में ये खुशियां क्यों मनाई जा रही। पहली बात तो यह है कि हमारे गंगाराम जी के मंझले भाई मोती बाबू, वो जो आपके सामने बैठे हैं मोती बाबू, कलकत्ता से उकारत में फास होई के गांव लौटे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे हुजूर ने फैसला किया है कि अपनी अकलौती बेटी राधा बिटिया का हाथ मोती बाबू के हाथ में दे। जगने दो गाओ रे झूम लगे होने
मजे में सवेरे तलक यही गत को बजने दो नाचो रे झूम झूम खुशी की वो रात आ गई कोई गीत जगने दो गाओ मैं रंग भरे ओ दुनैनों में आंसू लिए दुल्हनिया को सजने दो नाचो रे झूम झूम खुशी की वो रात आ गई कोई गीत जगने दो गाओ पग में तो लगने दो नाचो रे झूम झूम गाओ रे झूम झूम नाचो रे झूम झूम सो रहा है क्या? नहीं तो मैं तेरे लिए इतने अच्छे अच्छे कपड़े लाया तूने आज पहने कि नहीं? पहन लेंगे भैया जब कभी खुशी का मौका आएगा जरूर पहन लेंगे। शिव तू गाता तो बहुत अच्छा रे। खुशी की बात थी ना इसीलिए आज हम कुछ अच्छा ही गाए। नहीं शिव ये खुशी की बात नहीं है ये नहीं हो सकता। कहा नहीं हो सकता शिव? भैया तुझे काम करना पड़ेगा। काम होती भैया वो कुछ नहीं। सोया कुछ नहीं? कुछ नहीं क्यों? कुछ तो करना ही पड़ेगा। शिव शिव वो मैं राधा से शादी नहीं कर सकता। काहे? कोई तुमसे कुछ बोला का? क्या बोलेगा? यही के परमोती भैया तुम राधा से शादी काहे नहीं कर सकते? सिर्फ राधा का सवाल नहीं शिव मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकता। काहे? क्या बताऊं मैं मेरा मतलब मेरी 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 शादी हो चुकी है। परमोती भैया सचमोती भैया तुम्हारा राधा से ब्याह नहीं होगा। कैसे होगा पगले? मोती भैया अरे बाप ये तुमने क्या कर दिया मोती भैया? भैया और भौजी को पता चलेगा तो? यही तो मुसीबत है। मैंने सोचा भैया और भौजी को धीरे धीरे मना लेंगे लेकिन भैया ने सब चौपट कर दिया।
का भैया ने चौपट कर दिया, शर्म नहीं आती तुमको? कहाँ है रे? ओ भैया और नहीं तो का? परबतिया हम नंगा होके घूमेंगे मगर ये बेशरम का दिया हुआ कपड़ा ना पहनेंगे। हम भी नहीं पहनेंगे जी। चल चल, तू तो पहले से पहन के नाच रही है। अब उस ससुरा को देख, पतलून पहन के ससुर लाट साहब बन गए। भैया मोती भैया से गलती होगी, मोती भैया को माफ कर दो। चुप, वकील की वकालत करे चले। अरे ऐसे ऐसे वकील हम बहुत देखे, वकील हो गए तो हमारे खिलाफ जाएंगे। कहा पर बतिया? हाँ हाँ का ना 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 ना। हाँ भैया के पाँव पकड़ लो, हम कहते सब ठीक हो जाएगा। अरे कहा कर मगर लगा रखी है, जाओ ना। मैं कहता हूँ जा। भैया मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। जब तुम्हें सारी बात का पता चल जाएगा। बहू कैसी जी? बहू कैसी है? मछली भौजी बहुत अच्छी है। तू चुप रहना, तुझसे पूछा का? पर बतिया इस छतीसे को सब कुछ पहले से मालूम था। नहीं भौजी, हमें कुछ नहीं मालूम था। सच कहता हूँ, कल रात को मोती भैया ने हमको सब कुछ बताया। का? क्या बताया? यही कि मछली भौजी बहुत अच्छी है, महेंद्र बाबू की बेटी है। का? किसकी बेटी है? महेंद्र बाबू की बेटी है। हाँ, और बीए पास है। क्या पास है? बीए। अरे धीरे से काहे बोल रहा है, जोर से बोल रहा। पर बतिया हमने नहीं कहा था कि हमार मुतिया ऐसी वैसी लड़की से ब्याह नहीं करेगा? और नहीं तो का? नाम का है बहू का? रेखा। ये बहुत अच्छा नाम है रे। पर बतिया हुक्का पकड़ देना, गांव वालों को सुनाए चुआऊं कि हमार मोतिया खाली टूट फाट बिल नहीं हुआ है, बीए पास बहू भी ले आया है। मगर पर बतिया ये बात जब हरी बाबू के कान में पड़ेगी तो वो का हमार जान ले लेंगे। हमरे घर में बहू हमरी मर्जी से आएगी? नहीं भौजी, राधा को भी हम हमारे घर की बहू बनाकर लाएंगे। का? हाँ भैया, राधा शिव की बहू बनकर इस घर में। नहीं नहीं नहीं, शिव का ब्याह पक्का हो चुका है सुंदर लाल की बिटिया बिनिया के साथ। हमने सुंदर लाल को वचन दिया है। पर भैया मैंने तुमको हमका तेरी मर्जी से चलेंगे, हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा। एक से लटपट और दूसरे से ब्याह। पर भैया तुमसे गलती हो गई है। आ, गलती हुई? अरे हम गलती करते है रे। भैया हाँ, सुखिया की बात पर विश्वास करके तुमने इसकी शादी बिंदिया से पक्की की, लेकिन असल में वो बिंदिया नहीं थी। कहा? हाँ भैया, शिव मंदिर में तुमने जिसको देखा था वो बिंदिया नहीं, राधा थी। राधा? हाँ। पर बतिया एक आग घोटाला है रे। अब समझी, कल गाने में इतना रोना धोना काहे था? चलो कोई बात नहीं, हम हरी बाबू को अब जाके समझाए देंगे और राधा के साथ शिव का ब्याह पक्का कर देंगे। लेकिन एक बात है कि अगर हरी बाबू राधा के साथ शिव का ब्याह करने को राजी न हुए तब का? काहे राजी न होंगे? हमरा शिव को ऐसा वैसा लड़का नहीं है, समझे? अरे हम तो सब समझ गए, मगर हरी बाबू समझाए तब ना। तो जाके समझाओ ना। अरे तो इतना चिल्लाए काहे को रही है? देखो जी, मैं कह देती हूँ, हम अपने शिव को दुखी नहीं देख सकते। तो हम दुखी देख सकते हैं। बतिया सुन रहा अपनी भौजी की बात है? अरे दो चार दिन सबर कर, फिर जाके हरी बाबू को समझावेंगे। अरे हम तो इस छतीसे के लिए हुईरत कैसा है? अरे एक ही खुशी के लिए हम मान गए रे, नहीं तो चापलू शरामखोर सुंदर लाल के साथ हम रिश्ता करते। थोड़े उजोर, अब देखिए आखिर हमारी बात सच निकली। कौन सी बात सुंदर लाल? यही कि शादी ब्याह का मामला बराबर के घर में ही होना चाहिए। बड़े होके चले थे छोटों से रिश्ता जोड़ने, मुंह की खाई। मोतीराम की शादी हो चुकी हुजूर। सुंदर लाल ये बात तो ठीक है,
ये सुबह सुबह क्या मजाक लगा रखा है? हमारा मजाक और आपके साथ हुजूर, बात ही सच है हुजूर, हम अपने कानों से सुनकर आए। गंगाराम के घर में यही तकरार चल रही है। कैसी तकरार? यही कि बतिया कलकत्ते में शादी कर चुका है, बीवी बी ए पास है, कोई ऐसन वैसन लड़की से नहीं। सारे गांव को पता है कि हम राधा की शादी मोतिया से कर रहे हैं। अब राधा का क्या होगा? कोई चिंता नहीं हुजूर, शिवराम जो है। सुंदर फैसला हमारा नहीं हुजूर, उन्हीं लोगों का है। तो फैसला भी हो चुका है। सुंदरलाल, ये बात गांव में किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए, वरना हमारी नाक कट जाएगी। मोतिया ने पीए पास लड़की से शादी कर ली। गंगाराम, डिस्गस्टिंग। नंदनपुर चलोगे? नंदनपुर किसके यहाँ चलेंगे? मिस्टर गंगाराम। गंगाराम? हाँ, उनके यहाँ। आप कहीं मोतिया के ससुर तो नहीं? तो फिर तुम मोती बाबू को जानते हो? कहा कहते हैं बाबूजी, वो तो हमारा चचेरा भाई है। What? जी सामान ले, आप जरा आराम से बैठे, हम बैल जो क्या होते। भैया, भैया तुम थोड़ी देर आराम कर लो, ना मुझे दे दो। का ये है? अरे का कह रहा है तू? कोई देख लेगा तो का कहेगा? क्या कहेगा, आखिर किसान का बेटा हूँ, आदत भी तो नहीं छूटनी चाहिए। ला दो मुझे। अरे तू जाने यहाँ से, कोई आ जाएगा तो? अरे कोई नहीं आएगा, दू ना। तू नहीं मानेगा, तू नहीं मानेगा। अरे अरे तू पढ़ लिख के ना कर, पढ़ लिख के नाक कटाएगा। क्या हो रहा है मोती बाबू? मर गया, वही हुआ ना। अरे मास्टर का मखत इधर आ रहा है, तू भाग के जाओ। छोड़ छोड़। नमस्ते महेश बाबू। नमस्ते, क्या हो रहा था? कुछ नहीं, मैंने भैया से कहा तुम थोड़ी देर आराम कर लो, मैं हल चलाता हूँ, तो मानते ही नहीं। क्यों? डरते हैं कहीं किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा। अब आप ही बताइए महेश बाबू, मैं किसान का लड़का हूँ, अगर मैं हल चलाऊं तो उसमें बुरा क्या है? क्या देख रहे हैं आप? मोती बाबू, अगर आप सचमुच थोड़ी देर हल चलाएं तो मैं इस गांव के सारे किसानों को लाकर दिखाना चाहता हूं कि जो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है वो हल चलाने में जरा भी नहीं शर्माता। मैं आपका दुख समझ गया महेश बाबू, इसमें क्या है, आप बुला लाइए सबको, मैं हल तो चला ही रहा हूं। गंगाराम जय! ओ गंगाराम! आया मुनीम जी। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते मोती बाबू। क्या बात है मुनीम जी? आपको हजूर ने बुलाया है। अभी? जी हाँ। गया ना? मुनीम जी। जी आप चलें, हम आ रहे हैं। अच्छी बात है। क्या बात है गंगा भैया? अरे हमसे मत पूछो मास्टर, ऐसे पूछो, हम यहाँ हरि बाबू की लड़की के साथ एक रिश्ता जमा के बैठे हैं, और ये ससुर हुआ कलकत्ते में ब्याह रचाए क्या है? आ मुसीबत। इसमें घबराने की क्या बात है, तुम्हारे घर में दूसरा लड़का भी तो है। वही तो सोचा है मास्टर, न जाने का होगा। नमस्ते हरि बाबू। सचमुच जमाना कितना बदल गया गंगाराम। हाँ, ये बात तो ठीक है हरि बाबू। यही देखो ना, पहले हमारे घर में आकर हमारे सामने तुम लोगों को बैठने की हिम्मत कहाँ होती थी? जी नहीं नहीं, ये तो एक बात की बात है, तुम बैठो बैठो। हरि बाबू,
आपसे जरूरी बात करना है। सुनेंगे सुनेंगे, जरूर सुनेंगे गंगाराम। तुम लोगों को शायद गांव छोड़कर जाना भी पड़े, हम तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमने जिस काम के लिए तुम्हें यहां बुलाया है वो कुछ जरा ज्यादा जरूरी है गंगाराम। तो आप ही कहें हजूर। हाँ, बात यह है गंगाराम कि अब जमींदारी तो रही नहीं कि तुम लोगों को दान खैरात करते रहे, इसलिए जो रुपए हमने तुम्हारे भाई को वकील बनाने के लिए दिया था जल्दी से जल्दी लौटा दो तो अच्छा है, क्योंकि इस वक्त हमें रुपयों की सख्त जरूरत है। हरी बाबू, हम आपकी बात का मतलब नहीं समझे। क्यों? भाई वकील बन गया, बीए पास लड़की से शादी कर ली, तो क्या गांव की भाषा भी भूल गए? पर आपने कहा था ना हरी बाबू। अरे छोड़ो गंगाराम, जमाना बदल गया, अब तो एक आदमी दो शादियां भी नहीं कर सकता। नहीं नहीं हजूर, ये बात नहीं है, हमारे घर में एक लड़का और भी है ना, अगर आपको कोई एतराज न हो तो अपना शिवराम। गंगाराम, होश में आओ, क्या समझ रखा है अपने आप को, जरा सा हंसकर बात कर दी तो सर पर चल गए। नहीं नहीं हरी बाबू, ये बात नहीं है। यही बात है, वरना तेरी ये मजाल कि हरी शंकर की बेटी को तू अपने उस भाई की बीवी बनाना चाहता है जो आवारा है, लफंगा है, बदमाश है। हरी बाबू, हमारा शिव अनपढ़ जरूर है लेकिन आवारा लफंगा बदमाश नहीं है, रिश्ता आप ही जोड़ना चाहते थे और बाकी बात भी आप ही ने किया था, आपने रुपया जरूर दिया है लेकिन हमारी जमीन भी तो आपके पास गिरवी पड़ी है। हाँ हाँ, कोई हम पर मेहरबानी तो नहीं की, 3 महीने के अंदर अपनी जमीन छोड़ा दे नहीं तो मजबूरन हमें अदालत जाना होगा। 3 महीना? हाँ हाँ 3 महीने। क्यों, तू तो समझता है कि तेरा भाई वकील हो गया सारी दुनिया को खरीद 7,000 रुपए दे के अपनी जमीन नहीं छोड़ा सकता? 3 महीने? हाँ 3 महीने, एक दिन भी ज्यादा नहीं। दो ठके का किसान और हमसे आया है टक्कर लेने, निकल जा, अरे खड़े मुंह क्या देखता है, निकल जा, जाओ यहां से। अच्छा है बाबू, बहुत अच्छा। अरे हाँ, ए बाबूजी वो देखिए मोतिया तो यही है, हाल चला रहा है। हाल चला रहा है? हाँ ठहरिए, बुलाता हूँ। ए मोतिया, एक तेरा ससुर आया है। हाँ हाँ क्या किसान हो? हाँ मुझे आना ही पड़ा, 7 दिन हो गए तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली। मगर देख रहा हूँ यार क्वाइट बिजी है। यस सर, दैट्स माय ओन लैंड, मेरी अपनी जमीन है। आई सी। हाय महेश बाबू। डैडी ये महेश बाबू है, ही इज अ सोशल वर्कर और हमारे गांव में एडल्ट एजुकेशन के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। महेश बाबू मैं फादर इन लॉ। नमस्ते। बाय द वे मोती, मोती बाबू, अच्छा मैं चलता हूँ। और चाहे जो कुछ भी हो बाबूजी, आपके जैसा रिश्तेदार मिलना हमारे भाग की बात है। काहे गंगा भैया, ये सब मोतिया के बदौलत भैया, सब मोतिया के बदौलत। कहीं नहीं मिला शिव गंगा काका, हम सब जगह ढूंढ रहे। अरे ससुराल महानालायक है, अपना छोटा भाई जो है ना बाबूजी, बड़ा शैतान है, बड़ा शैतान, इतना बड़ा हो गया मगर बचपना नहीं गया। बचपना नहीं गया बाबूजी, देखिए ना हमसे 5-6 साल का छोटा है फिर भी नाम लेके बुलाता है। अरे बबुआ हमारा लड़का है। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए, ट्रेन का भी वक्त हो गया है। बाबूजी एक ऐठो मुंह में। बाबूजी आपकी बड़ी लड़की कह रही है कि मुतिया की भौजी वो कह रही है कि हम लोग आपकी कुछ भी खातिर नहीं कर पाए, अगर एक दिन आप वो नॉट इज जस्ट इम्पॉसिबल। बाबूजी ओ मेरा मतलब है परसों बहुत बड़ा केस है कोर्ट में, नहीं तो क्या मैं मोती को लेने के लिए यहां तक भागा भागा था? आखिर वो इतने दिनों बाद अपने भाई भाभी रिश्तेदारों से मिलने आया। मेरा ख्याल है
मोती तैयार हो गया। मोतिया बाबूजी, आपकी बड़ी लड़की कह रही है कि अगर आप कलकत्ते जाके हमारी मझली बहू को भेज दें तो बड़ा अच्छा हो, क्योंकि अभी तक यहाँ किसी ने उसे नहीं देखा है। हाँ हाँ बाबूजी, क्यों नहीं, आखिर उसकी ससुराल है, यहाँ आकर सब कुछ अपनी आंखों से देख ले। ओह यू आर रेडी? हाँ रेडी। अच्छा, जाते ही हमारी बहू को भेज देना। बहुजी, शेर से मुलाकात नहीं हुई, बेचारा बहुत दुखी होगा। चल चल भाई, अब देरी मत कर। पर बतिया, हमारा जूता कहाँ है? नहीं नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ करेंगे बाबूजी, हमें तकलीफ की कौन बात है। सुखिया, हाँ, गाड़ी तैयार है ना? अरे कब से बैल जूते खड़े हैं, आज तो हमारी गाड़ी धन हो गई। हम कहते जूता ले आए, अच्छा राह देना। चल चल। मोती भाई के ससुर आएगा? आएगा, आके चले भी गए। हाँ, कमबख्त कहाँ मारा मारा फिरता है, घर में मेहमान आए और तेरा कहीं पता नहीं। बेचारा मोतिया, जाते समय तेरे लिए कितना उदास था। कहाँ, मोती भैया भी चला गया? हाँ, उसी को लेने आए थे महेंद्र बाबू। मोती भैया हमसे भेंट के बगैर ही चला गया, कितनी देर हुई? बहुत देर हुई, तेरे भैया भी तो स्टेशन गए हैं। स्टेशन? हाँ। भैया और चले गए? हाँ चले गए। और तू कहाँ रहा, इतना ढूंढा तुझे पता है? भैया वो बड़ा गड़बड़ हो गया रे। कहाँ हुआ भैया? अरे आज सवेरे हरि बाबू ने बुलाया रहा, जो मुतिया ने शादी किया ना, वो सब पता चल गया उसे। वो कैसे भैया? अरे वो है चापलूस सुंदर लाल की कारस्तानी है सर, और जब तेरे साथ राधा की शादी की बात की तो का उन्होंने सुनाया, कहे जो बात बनी, और आखिर में कह दिया कि 3 महीने के अंदर अंदर अपना सब रुपया दे दो, नहीं तो तुम्हारी जमीन सब कुर्क करा दे। और जल्दी जल्दी में इस सब मुतिया से कह भी नहीं। मगर इसमें घबराई की कौन बात है भैया, जो होगा देखा जाएगा। कहा देखा जाएगा? देखा जाएगा। अरे शिव, ये सब तुम लोगों के बदौलत हो रहा, वहां मुतिया ने शादी कर लिया और यहाँ तुम राधा रानी के साथ रात हो जाए, वो मुसीबत अपने कपार पर। ए राधा, का है? चिट्ठी का है को है? अच्छा ये तो बता, हमरे कलकत्ता जाने में तुझे का एतराज है? देख राधा, बड़ी मुश्किल से भैया और भौजी को मनाया है, और एक तू है के बीच में कांटा बन रही है। हाँ, मैं कांटा ही हूँ, सामने खड़े गला घोंट दे फिर चले जाना जहाँ जी जाए। तू तो बात का बतंगड़ बना देती, अरे समझती काहे नहीं। देख राधा, तेरे बाप को रुपए देकर हमें जमीन छुड़ानी है। सच कहता हूँ राधा, कलकत्ता जाकर मोती भैया से रुपए लेकर मैं फौरन चला आऊंगा। तू कलकत्ता जाएगा तो कभी वापस नहीं आएगा। काहे नहीं आएगा? वाह, हम कलकत्ता में थोड़ी खेती करने जा रहे हैं, बस गए और चले आए। पर वो तुझे आने नहीं देंगे। कौन? मोती भैया? सब कौन? मछली भौजी? तब कलकत्ता में हमारा कौन ससुर है जो हमें रोक लेगा? हैं? वहां सब वो रहती हैं। वो कौन? डायन, जाने का जादू कर देती है, आदमी फंस जाता है। विश्वनाथ का लड़का शंकर गया था, कहां लौट कर आया, वहीं फंस गया। बस एक तीसरी बात है तो ठीक है,
हम किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखेंगे ही नहीं। तू नहीं देखेगा पर वो तो देखेंगी, एक बार नजर मिलते ही जादू कर देती है। तू घबरा मत, हम किसी से नजर ही नहीं मिलाएंगे। मेरी कसम। तेरी कसम। हाथ मत लगा। देखा देखा, अरे ये क्या पागलपन है, सुनो तो। अच्छा तो तुम हंस रही थी और मैं समझा कि तुम रो रही। नहीं मगर मैं क्यों रो, इसलिए कि तुम अपने भैया और भाभी से मिलने गए थे और वहां जाकर मुझे भूल गए। ये रोने की नहीं रूठने की बात है, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करती। तुम नहीं जानती रेखा मैं कितनी मुसीबत में पड़ गया था, वहां पहुंचकर पता चला भैया ने मेरी शादी पक्की कर दी। रियली? हाँ, अब मैं तो जाते जाते यही सोच रहा था कि भैया को कैसे समझाऊंगा, लेकिन वहां जाकर देखता हूँ कोई दूसरी मुसीबत खड़ी हो गई। और तुम मेरे भैया भाभी को नहीं जानती, मुझ पर इतना बिगड़े है। फिर क्या गुस्से से लाल पीले होकर कहा छोड़ दो उस बहू को और दूसरी शादी कर लो। अच्छा। हाँ, अब वैसे वो लड़की भी खूबसूरत थी और मैंने सोचा जब भैया इतना फोर्स कर रहे हैं तो ठीक है कर लो, कर ली मैंने शादी। You ungrateful man. क्यों 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 क्यों? एक इनविटेशन देने ही भेजा मुझको? तो तुम मजाक समझ रही हो, मैं सच कर रहा हूँ रेखा, अगर तुमको यकीन नहीं आता। wait. जिसको एक शादी करने में पसीना छूट गया था वो करेगा दूसरी शादी? अगर मैं जबरदस्ती डैडी को नहीं मना लेती तो तुम तो शादी से पहले ही भाग जाते। अरे सुनो रेखा, अरे मेरी बात तो सुनो। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। बात करने के लिए कौन कह रहा है, मैं तो सिर्फ नजदीक आने के लिए कह रहा हूं। क्या हम तुमको साथ दिखते हैं क्या? बाप रे, सलाम साहब। क्या रहता है? मोती भैया इधर ही रहते हैं ना? कौन मोती भैया? मोती बाबू, वकील साहब, बहुत बड़े वकील हैं। हाँ रहते हैं, लेकिन मिल नहीं सकते। अरे काहे नहीं मिल सकते, हम उनके छोटे भाई हैं। शू शू छोटा भाई, चल चल निकल निकल। कहाँ है मारो तो? हाथ मत लगाओ, हम पहले ही बोलते थे। काहे हाथ लगा दो? देखो ना ये बोलता है, मैं जमाई बाबू छोटा भाई हूँ। आप मोती बाबू के छोटे भाई हैं? जी हाँ। नमस्ते बाबू जी। बाबू जी हमारा नाम शिव है, शिव। आपने हमें देखा नहीं ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, आइए आइए बैठो। हाँ बस। क्या बात है? तुम्हारा आपका छोटा भाई आया गांव से, मेरा छोटा भाई। क्या बात कर रहे हो? मैं उन्हें साफ गमले बिठा दिया। शिव,
मोती भैया, मोती भैया यहाँ कैसे आया, किसके साथ आया? हम अकेले ही आए। हाँ, अकेले नहीं आ सकते क्या? नहीं वो बात नहीं, लेकिन मुझे कुछ खबर दिए तुम अचानक कैसे आ गए? अरे कहाँ बताओ मोती भैया, तुम तो एकदम चले आए और बड़े भैया तुम्हें बता भी नहीं सके। वो हरी बाबू है ना, दादा का बाप, गिरगिट कहीं का एकदम बदल गया। साफ साफ कह दिया 3 महीने के अंदर अगर उसको रुपया नहीं लौटा दिया तो वो हमारी जमीन ले लेगा। इसीलिए तो बड़े भैया ने तुम्हारे पास भेजा है। हाँ, रुपया लेने। ओ, सर उसकी कोई चिंता नहीं, रुपया मिल जाएगी। लेकिन तेरा चेहरा उतरा हुआ क्यों है, कुछ खाया हुआ है कि नहीं? नहीं मोती भैया, बहुत जोर की भूख लगी है, हम तो लोगों से पूछते पूछते यहाँ तक चले आए। क्या शानदार घर है तुम्हारे ससुर का। हाँ, तुम्हारा ससुर भी बहुत अच्छा आदमी है। हाँ ससुर? हाँ, तू कब मिला मेरे ससुर से? गांव से लौटते वक्त तो वहां नहीं था। तो क्या हुआ, अभी तो मिला, वही तो हमें यहाँ बिठा के गए हैं। शानदार कपड़ा पहन रखा है और कहाँ पगड़ी है। पगड़ी? हाँ। अरे अरे क्या हुआ? पगड़ा कहेगा, वो मेरे ससुर नहीं शंभू दादा है, मेरे ससुर का खास नौकर। नौकर? जब तुम्हारे ससुर का नौकर ऐसा शानदार कपड़ा पहनता है तो तुम्हारा ससुर कहाँ पहनता होगा? अच्छा ठीक है, तो बैठ, मैं तेरे लिए खाना ला दूँ। नहीं भैया, खाना हम बाद में खाएंगे, पहले मैं भौजी से मिलाऊँ, हम भौजी को देखना चाहते हैं, उनको साथ ले जाना है, बड़ी भौजी ने कह दिया। चलो फैसला देख, तो ऐसा कर यहाँ बैठ, मैं रेखा को यहीं लाता हूँ। अच्छा क्या बात है, बिल्कुल सेरेमोनियल ड्रेस का धोती कुर्ता। रेखा और शीर दिया। रेखा मीट मिस्टर जॉनसन। Happy birthday to you. And please accept this. And here's Mr. Sarkar, my daughter Rekha. Where's your son-in-law? Oh, Moti. Yeah, Moti. Oh, he's here. Ah, hello, Moti. How are you? You keeping well? Yes. I'm sure he'll take your place one of these days. Oh, that's my ambition. Come on. Oh, come on. Are you? Suno Rekha. Excuse me. Kya baat? Mere saath chalo, tumhe ek cheez dikha. शिव, यह है तेरी भाऊजी, मेरा छोटा भाई। अरे बाप रे, तू तो एकदम देसी है रे भाऊजी, ऐसा खूबसूरत तो हमने कभी कोई देखा ही नहीं। कहा देख रही है? चल चल गठरी ओठरी बांध ले, हम तुझे लेने आए हैं। तुम बैठो। सुनो रेखा, रेखा क्या यही चीज मुझे दिखाने के लिए बुलाया था? रहमत माना रेखा, वो शिव गांव से आया है ना, हमारी सोसाइटी के रीति रिवाज नहीं जानता, वैसे दिल का बहुत अच्छा है। अच्छा बेचारे को बहुत भूख लगी, कुछ खाने के लिए लिया। तुम खुद ही क्यों नहीं ले जाते? नाराज हो गई? इतनी नाराजगी की क्या बात है? बात है शिव, तेरी भाभी शहर की है ना, हमारे गांव के रीति रिवाज जानते नहीं, क्योंकि शिव तुझे उस कुर्सी पर बैठना नहीं चाहेगा। सर छोड़ो, तो बैठ, मैं भी आता हूँ। और देख, इधर उधर कहीं जाना नहीं। Yeah.
रिश्तेदारी हमारी बड़ी बेवकूफ लड़की है। लेकिन मोती तुम तो समझदार हो, तुमने ऐसी गलती क्यों की? तुम्हारे भाई को यहां बुलाने से पहले उसे समझा देना चाहिए था कि तुम किस माहौल में उठते बैठते हो, तुम्हारी सोसाइटी क्या है, तुम्हारा समाज क्या है। मैंने उसे नहीं बुलाया डैडी, वो खुद चला आया था। इसी सिलसिले में मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ कहो डैडी, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। रुपए? By all means, कितने चाहिए? ये कुछ 8-10 हजार। 8-10? मैं तो समझा था, लेकिन कितनी चाहिए? आपने तो देखा ही था, गांव में जहां मैं हल चला रहा था वो जमीन हमारी है, लेकिन मेरी पढ़ाई के लिए भैया ने वो जमीन किसी के पास मॉर्गेज रखी थी। अब उसका नोटिस आया है कि 3 महीने के अंदर अंदर अगर उसका पैसे न लौटाए तो वो जमीन चली जाएगी। डोंट बी सिली मोती, वो जमीन जाती है तो जाने दो, तुम उसके लिए क्यों परेशान हो रहे हो? अगर तुम्हें जमीन ही चाहिए तो न्यू अलीपुर एरिया में या VIP रोड पर एक प्लॉट लेकर अपनी पसंद का मकान बनवा लो। आप मुझे गलत समझ रहे हैं डैडी, मैं इस जमीन की नहीं बल्कि उस जमीन की बात कर रहा हूँ जो किसान की इज्जत होती है। जब एक भाई ने दूसरे भाई के लिए अपनी इज्जत गिरवी रख दी
तो दूसरे भाई का भी फर्ज बनता है उसे छुड़ाना। मोती, हमारी तरफ भी तुम्हारा कुछ फर्ज बनता है। मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आज कहता हूं, अब तुम्हें भूल जाना चाहिए कि तुम एक किसान हो, क्योंकि आज तुम सिर्फ मेरे जूनियर ही नहीं, दामाद भी हो। मैं समझता हूं डैडी आप क्या कहना चाहते हैं, मगर उस जमीन से मेरे भैया भाभी सारे खानदान का पेट बनता है। सो व्हाट, आई हैव सीन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो महीने में 30-40 रुपए भेज दिया करो, उनका पेट पलता रहे। डैडी, एम आई रॉन्ग? मेरे भैया और भाभी गरीब जरूर हैं डैडी, मगर भिखारी नहीं, मेरी दी हुई भीख को कभी नहीं लेंगे। मगर मोती, जो तुम मुझसे मांग रहे हो उसे भी तो लोग भीख ही कहेंगे, बिकॉज यू हैव नॉट अर्नड दैट मनी। आई एम सॉरी डैडी, उसे गलती हो गया। भौजी, मुझे की बहू नहीं आई? कहा बताऊं भौजी, मजली भौजी तो गठरी बांधकर हमारे साथ आने को तैयार, पर हमने सोचा अगर भौजी को ले आएंगे तो मोती भैया का खाना कौन पकाएगा? हाँ, अच्छा ही किया, नहीं तो बेचारे मोतिया को तकलीफ होती। कैसी है मजली बहू? अच्छी, बहुत अच्छी है। तुझे प्यार व्यार किया ना? प्यार? अरे क्या बताऊं भौजी, उसने तो मुझे इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, तुझसे भी ज्यादा। अच्छा? हाँ, प्यार से बिठाया, प्यार से खिलाया, और सब बड़े बड़े लोगों के आगे कह दिया कि मैं मोती भैया का। भौजी, बहुत भूख लगी है, खाने को कुछ दो। तू हाथ मुंह धो ले, मैं अभी लाती हूँ। शिव, रही आप? अरे शिव, तू कलकत्ते से आ गया? सुखिया, तू वहीं बैठ, वहीं बैठ। शिव, उधर भौजी के साथ तो बहुत देर तक बकबक करता रहा, अब हमें बता असल बात का। अरे चुप का है रे, बोल ना, हम सब सह लेंगे रे। समझ गया रे, सब समझ गया, अरे मैं दुखी हो कि कौन बात है? अरे मोतिया बड़े घर का दामाद हो गया रे। भैया, मोती भैया को तो भूल ही जाओ। भूल जाएंगे रे, ये में कौन बड़ी बात है। बड़ा अच्छा हुआ शिव कि तुझको नहीं लिखाया पढ़ाया। अरे वाह रे, पढ़ाई लिखाई। ए मास्टर, हेलो। क्या बात है मास्टर, तुम्हारा घर बार कुछ है कि नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो घर पर माँ बाप भाई बहन कोई है कि नहीं? हाँ, सब कोई है। तो अपने घर जाओ ना, लिखाई पढ़ाई लिखाई पढ़ाई करके हमारा घर काहे को बर्बाद कर रहे हो। लिखाई पढ़ाई करावे मास्टर जी। मास्टर जी, क्या बात है शिव? भैया की बात का बुरा मत मानिएगा, आप तो जानते हैं भैया इसी ढंग से बात करते हैं। पर हुआ क्या? वो कुछ नहीं मास्टर जी, कुछ नहीं मास्टर जी।
होए होए होए, का गुस्सा है कलकत्ते वाले बाबू का। काहे तुमसे कहता है, हमें का मालूम था तो इतनी जल्दी कलकत्ता से लौट आएगा। तू हमसे इतना प्यार करता है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। अरे चल चल, हम थोड़े ही तेरे लिए जल्दी वापस आए हैं। हाँ, ये तो हमें आना पड़ा, पर अब तो हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। काहे? काहे? तू अपने मक्खी चुत बाप से जाकर पूछ, जो हमें 3 महीने में रुपया लौटाने का हुक्म दिया है, समझे? मोती भैया से तेरी मुलाकात नहीं हुई क्या? हुई थी। फिर उनका रुपया नहीं दे रहे हैं? तू ठीक ही कहती थी राधा, कलकत्ते में सब डायन लोग रहते हैं, जवान जवान मर्दों पे जादू करके उन्हें बुजदिल बना देती हैं। मगर देख, तुझे हम कह देते हैं, हमारे घर की बहू बनकर कहीं तूने भैया को नौकर कहा ना, तो हम तेरे दांत तोड़ देंगे, समझी? आज क्या हुआ तुझे, काहे इस तरह की बातें कर रहा है? सोचा था इतने दिन बाद मिलेंगे तो मीठी बातें करेंगे, तो कलकत्ता की कोई बात सुनाएगा, पर तू है कि दांत तोड़ देना चाहता है, टांग तोड़ देना चाहता है, काहे? इसलिए कि तू भी औरत है और सभी औरतें एक जैसे होती हैं, बड़ी भौजी को छोड़ के। देख शिव, अगर तू हमसे ऐसा बर्ताव करेगा ना, तो हम कह देते हैं हम तुझसे कभी मिलने नहीं आएंगे। राधा, राधा तू समझती काहे नहीं, मोती भैया से हमें रुपए नहीं मिले और ना ही मिलेंगे, इसलिए हम फिर कलकत्ता जाना चाहते हैं, वहां जाकर हम रुपया कमाएंगे, अपनी जमीन छुड़ाएंगे। मेरे पास तो इतनी ही जमीन है राधा, हमें कलकत्ता जाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, हम तुझे कलकत्ता नहीं जाने देंगे, तूने खुद ही तो कहा था वहां सब डायन रहती है, वो लोग तुझे हमसे छीन देंगे, नहीं हम कभी नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। अगर तू चला गया तो हम सच कहते हैं हम अपनी जान दे देंगे। राधा, राधा, राधा! पहले से पता होता माता जी तो स्टेशन लेने आ जाता। अरे काहे का लेना लेवाना हरी, अब तो हम सदा के लिए बाबा विश्वनाथ के शरण में जा रहे हैं, सोचा जाने से पहले तुमसे भेंट कर लूं, अतनिक अपनी राधा को भी देख लूं। अच्छा अच्छा, अरे माता जी ये नानी, राधा, अरे तुमको नानी बस बेटा अभी चली ही आ रही हूँ, अब तू कहाँ गई थी? अभी जंगल के पेड़ों का पिंड बैठा रहा। कहाँ माता जी, इतनी बड़ी हो गई कुछ नहीं समझ। तुम चुप रहो, अला इस बेचारी का इसमें क्या दोष है, इस बच्चे के बचपन में माँ मर जाती है, उसका तो यही हाल होता है। अगर आज हमारी शांति जिंदा हो, खैर जाने दो, माया मोह सब कुछ त्याग कर जा रही है, आंसू नहीं बहाऊंगी। अरे वाह नानी, हम तुम्हें ऐसी थोड़ी जाने देंगे, अब तो तुम हमारे पास रहोगी। अरे नहीं रे पगली, अब हमें इस संसार के माया जाल में वापस मत खींचो, जब जाने का फैसला ही कर लिया है तो। लेकिन माता जी, आपकी इतनी सारी जमीन। वो झमेला खत्म करके आई हूँ, कुछ तो दान धर्म कर दिया और बाकी सब बेच दिया। हाँ, इतनी जमीन जायदाद ये आपने क्या किया? अरे अच्छा किया हरी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि दान धर्म करके अपना परलोक सुधारा। तुम क्या सोच रहे थे कि तुम्हारे नाम से सब लिख पढ़ दूं और तुम खा पी के मौज करो? देखो बेटा, ससुराल के धन का लालच नहीं करना चाहिए, समझ गए ना? ये आप क्या कह रही है माता जी? अरे बेटा मैं ठीक कह रही हूँ। आप माता जी हमें हमेशा गलती समझती हैं। हाँ बेटा हरी, मैं तुम्हें खूब अच्छी तरह समझती हूँ और जानती हूँ, तुम्हारी सारी उम्र रुपया बढ़ाने के चक्कर में ही तो कट रही है। खैर छोड़ो, इन बातों से क्या मतलब है, जिस काम के लिए आई हूँ पहले वो पूरा करो। बेटी चलते तुम्हारा बक्सा, बहुत संभाल के इसको लाई हूँ। ये हमारे रास्ते में खर्चा के लिए है। अच्छा देखो, मैंने 25 बीघा जमीन
राधा के नाम कर दिए। अच्छा अच्छा, ये उसका कागज है, पढ़ लो। अच्छा, और ये 10,000। अरे तुम मत छुओ, तुम्हारे लिए नहीं है। अच्छा, राधा के लिए है, राधा के ब्याह पर। इसमें से एक पाई खर्चा मत करना। ना माता जी, एक पाई नहीं खर्चा। राधा जो चाहेगी वो एक रुपए का कर सकती है। अच्छा, समझे ना? बेटी राधा, ये लो चाबी और अपने हाथ से ये नोट लेकर तिजोरी में रख दो, ठीक है ना? लो बेटी, संभाल के रखना। नानी, तुम आज ही चली जाओगी? हाँ बेटी, अब आप सुबह पटना से गाड़ी पकड़ ली है ना, और हमारे साथ चौधरी के बांध भी तो जा रही है। हाँ माता जी, ठीक ही तो कह रही हैं, शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए। ये जल्दी से रुपया तिजोरी में रख दो बेटा, जल्दी कर दो, जल्दी कर। लेकिन माता जी, इतनी जल्दी भी क्या है, एक दो रोज आराम कर लेते हैं। सर, जब आपने जाने का फैसला कर ही लिया है तो चलिए हम आपको पटना तक छोड़ आते हैं। मगर तुम जो तकलीफ करोगे इतने बड़े घर में, दादा बेचारी अकेली कैसे रहेगी? अरे माता जी, ये तो हमेशा अकेली रहती है, क्योंकि अक्सर हम काम से पटना जाया करते हैं। खैर, इसमें चिंता की कोई बात नहीं, हम सुंदर लाल को कह देंगे रात में यहाँ सोने के लिए, ठीक है ना? फिर तो ठीक है। बड़े आराम से कहीं गई। एक बात कहूं, बुरा ना मानो तो आज पार्टी में तुम अकेले ही चली जाओ। नॉट फीलिंग वेल टुडे। मैं जानती हूँ तुम बहाना कर रही हो। तुम्हें आजकल क्या हो गया? मैं सब मुंह फुलाए बैठी रहती हूँ। चलो उठो प्लीज। जिद मत करो देखा। क्या तुम ये चाहते हो कि सोसाइटी में तुम्हारे लिए लोग मुझ पर हंसे, मेरा मजाक उड़ाए? रेखा, उस दिन तुम कह रही थी तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़ सकती हो। जो सोसाइटी मेरी वजह से तुम पर हंसती है, मजाक उड़ाती है, उसे तुम छोड़ नहीं सकती। क्यों नहीं? जरूरत पड़ी तो जरूर छोड़ दूंगी, मगर आज तो चलो। सच कह रहा हूँ रेखा, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, और फिर मुझे एक बहुत जरूरी काम भी है। मेरी मानो तुम अकेली वहां चली जाओ, और अगर कोई पूछे तो कह देना मेरी तबीयत खराब है। अगर कोई पूछे तो क्या कहना होगा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तुम्हें सिखाने की कोई जरूरत नहीं। रेखा, मेरी बात तो सुनो। जी हाँ, मैं मोती बोल रहा हूँ। कौन? रमेश, अब से मैं तुम्हारे टेलीफोन का इंतजार कर रहा था, कुछ बंदोबस्त हुआ? वैसे मुझे उन रुपयों की सख्त जरूरत थी, इसलिए कर छोड़ो। कोई नहीं भैया, हम हैं, हम कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। हाँ
क्या बात है राधा? क्या बात है? क्या बात है शेफ? तुझे कलकत्ता नहीं जाना पड़ेगा। तू हमारा रुपया है, बापू का नहीं, हमारी नानी ने हमको दिया है। पर ये रुपया हम नहीं लेंगे। ये रुपया हम नहीं ले सकते राधा। पर क्यों? हमारा रुपया का 13 रुपया नहीं है शिव। वो बात नहीं है राधा, तू समझती काहे नहीं। इतना सारा रुपया लेकर हम भैया को क्या बताएंगे? वो मैं नहीं जानती, पर हमारा नाम नहीं बताना। वो तो ठीक है, पर किसका नाम बताएंगे? भैया समझेंगे ये सब रुपया हम चुरा के लाए हैं। नहीं नहीं राधा, ये सब रुपया हम नहीं लेंगे। ठीक है, मैं भी ये रुपया घर लौटा कर नहीं ले जाऊंगी और खुद भी नहीं जाऊंगी। क्या बात करती है तू राधा? देख शिव, हमारा बापू अच्छा नहीं है। वो तेरे भैया से कहां लिखवा लिया मालूम नहीं। तेरे भैया रुपया नहीं भरेंगे तो जमीन चली जाएगी। तेरी जमीन चली जाएगी तो तू क्या करेगा? ये रुपया ले ले, नहीं तो हम यही जान दे देंगे। ओफ, जब देखो यही धमकी। धमकी नहीं शिव, मैं सच कहती हूँ, अगर तूने ये रुपया नहीं लिया तो हम अपनी बस चुप कर, रो मत। तू रुपया लेगा ना? रुपया? पर भैया क्या बताएंगे? कुछ भी बता देना, तू ये रुपया रख ले, रखेगा ना? अच्छा अब हम जाएं, बहुत देर हो गई। क्या हुआ? हमें लगा वहां कोई था। नहीं नहीं कोई नहीं होगा, डरने का क्या है? चल मैं तुझे छोड़ आता हूं। ए पर्वतिया, जरी ही आओ। सोच रहा हूं कि जमीन अब लक्ष्मीचंद महाजन के यहां रख दूं, जे मैं हरि बाबू से पिंड छू। एक बात कहूं? हाँ। तुम एक बार मोतिया को तो चिट्ठी लिखो, हमें लगता है हमसे कोई भूल हो गई। देख मोतिया का तो नाम ही मत ले अपने सामने, समझी कि नहीं? कहां वो धनवान ससुर का दामाद, कहां हम गरीब किसान। मोतिया जाके पोट लिया, पोट। भैया क्या रे? अब तुम्हें रुपए के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। काहे? ऐशु, इतना रुपया कहाँ से लाया रे? बोल ना, कहाँ से लाया इतना रुपया? नहीं नहीं भैया, तुम जो सोच रहे हो वो बात नहीं है। कहाँ बात है? कहाँ से आया इतना रुपया? अरे बोल ना, कहाँ से आया इतना रुपया तेरे पास? मोती भैया ने भेजा। मोती भैया? मोतिया ने भेजा? वो कहाँ मिला तुझे? वो रात को मैं बाहर गया था ना, जब तुमने पूछा कौन है, तभी मोती भैया का आदमी आया था, वो ही दे गया। अरे शिव, मोतिया का आदमी आया था या मोतिया खुद आया था? नहीं नहीं बोझी, मोती भैया का आदमी आया था। अरे उस बेशरम मुंह दिखा सकता है मैं? वो सब छोड़ो भैया, ये लो रुपया और हरि बाबू के पास जाकर अपने कागजात छुड़ा लो। खेत पर आज मैं चला जाता हूँ। बोझी खाने को कुछ है? नहीं नहीं रहने दो, आज खेत पर भिजवा देना। क्या हो? ये बहुत मुस्किया है चुकी, ये हुकल जाके उड़ने कर लिया जा। हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहां ए हजूर। हम तुम चोरी से बंधे
बांधे एक डोरी से जइयो कहां ए हजूर। अरे ही बंधन है प्यार का आज हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां ए हजूर। कजरा वाली फिर तू ऐसे काहे निहारे, कजरा वाली फिर तू ऐसे काहे निहारे। ई चितवन के गोरी माने तो समझा जा रे। मतलब बंधे एक डोरी से जइयो कहां ए हजूर। हमारे मुखिया भीषण आया।
अरे अभय जल्दी में फुर्सत नहीं है। नहीं तो काम से जा रहे थे बीच में टोक दी। गंगा भैया बहुत बुरी खबर है। क्या बुरी खबर? अरे वो दरोगा बाबू आ रहे हैं। वो काहे को? सुना है कि वो तुम्हारे घर की तलाशी लेंगे। क्या कह रहा है? ठीक कह रहा हूँ, यही पहले तो हम दौड़ते हुए तुमका ही खबर सुनाने के लिए आए हैं। मेरे घर की तलाशी? हाँ चलते जरा। चलो गंगाराम, मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। तलाशी? घर अपने घर में क्या रखा है? सुनिए दारोगा जी, जैसे कुछ मालूम ही नहीं। देखो गंगाराम सरकार, कल रात हरि बाबू के यहाँ 10,000 रुपए की चोरी हुई है और वो रुपए तुम्हारे भाई शिवराम ने चुराए हैं। सरकार? नहीं नहीं सरकार, अपने शिव ऐसा काम नहीं कर सकता। हाय हाय, नहीं कर सकता। अरे हमने अपनी आंखों से देखा गंगाराम, जब कल रात शिव दीवार फांद के हरि बाबू के घर से निकल रहा था। क्यों सरकार? कल रात को? हाँ। चलो गंगाराम, मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेना है। जरा ठहर जा सरकार। तो कल रात हमसे झूठ बोला सरकार। तलाशी कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है सरकार। ये रहा दर्जा, ये देखिए, ये रहा दर्जा। अब रहा चोर का सवाल, तो आइए मेरे साथ, आइए मेरे साथ। अरे पियू, 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 वो रुपया तेरे मुतिया ने भेजा रहा ना? अरे मर गया तेरा भैया, और देख अब जिंदगी में हमें मुंह नहीं दिखाना भैया। हम सब देंगे, हमारा क्यों मर गया भैया? ले जाओ दरोगा बाबू, ले जाओ मेरे साथ से, ले जाओ। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? अरे बात क्या है मास्टर जी, शिवराम है ना, ये हरि बाबू के घर से 10,000 रुपए चोरी कर लिए। यूनी चोरी की? मास्टर जी सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की मास्टर। पर्वतिया यहाँ खड़ी पर्वतिया। ए पर्वती, सुना तूने, तेरा सिंह चोर आ गए, 10,000 रुपया चोरी करके लाया था। झूठ है, मैं नहीं मानती, हम रोशन कभी चोरी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता तो सुंदर लाल ने देखा कैसे? अरे तेरी सौतेली सास तुझे कैसे कैसे दुई देवर दे गई है। एक तो धनवान ससुर का घर दामाद बन गया और दूसरा चोर बन गया। पार्वतिया हमने पीटा रे, जी भर के पीटा। अरे बाजार में शिव को जानवर की तरह पीटा और कह दिया खबरदार जिंदगी भर मुंह मत दिखाना, हम समझेंगे कि हमारा भाई मर गया। चुप चुप, खबरदार जो रोई तो यार देख, अरे मेरी तरफ देख। मैं रोता हूँ? मैं काहे को रोऊं रे? सौतेले भाई के लिए कोई रोता है? अरे इसीलिए तो पीटा और फिर ताड़ी किया। मैंने तुझसे एक दिन कहा था ना कि अब कभी नहीं पीऊंगा, मगर आज फिर पिया और खूब पिया। रे भारे हमारे,
साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ, इसमें जरूर कुछ दाल में काला है। आप कानून के रखवाले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अनजाने में किसी बेगुनाह को सजा भुगतनी पड़े। मास्टर जी, आप ये क्यों भूल रहे हैं कि सुंदरलाल ने खुद अपनी आंखों से शिवराम को हरी बाबू के मकान से निकलते हुए देखा है। वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे फिर कहूंगा, आप एक मरतबा हरी बाबू की लड़की राधा से मिल लीजिए। राधा से? जी हाँ। मगर राधा का इस चोरी से क्या वास्ता? वास्ता है, ये मैं आपको कैसे समझाऊं। अच्छा, तो ये बात है? जी हाँ, मुझे पूरा भरोसा है कि राधा से मिलकर सारी असलियत का पता लगाया जा सकता है। हम तुम्हें समझाते हैं। दरअसल बात यह है बेटी कि दरोगा बाबू तुम्हीं से बतियाने के लिए आ रहे हैं। अगर तूने उनसे ई कहा कि वो रुपया तूने शिव को दिया था तो सारा मामला डड़बड़ा जाएगा और फिर शिव का जरूर चलान हो जाएगा और चोरी से भी कड़ी सजा मिलेगी। पर जब रुपया हम दिया तो ई में शिव का कसूर? यही बात तो तुम्हें समझेगी, क्योंकि बच्ची है ना समझे। दरोगा बाबू अपने किताब में लिख देंगे कि शिव ने तुम्हें धोखा देकर पैसा ले लिया। ये 2-4 रुपए का मामला नहीं है राधा, 10,000 रुपए की बात है, 10,000। तो हमें दरोगा बाबू से क्या कहना होगा? हाँ, हम तो कोशिश करेंगे कि तुम्हें कुछ कहना ही नहीं पड़े, फिर भी दरोगा बाबू ना माने तो तू कह देना वो रुपया के बारे में तू कुछ नहीं जानती। फिर दरोगा बाबू को समझा बुझा कर हम शिव को छुड़ा लेंगे। क्या देख रही है, हम गलत थोड़ी कह रहे हैं, ये कोर्ट कचहरी का मामला है, तू का समझे? हम समझ गए बाबूजी। आइए आइए दरोगा बाबू। बेटी, दरोगा बाबू आ गए, तू यही ठहरना, जरूरत पड़ी तो हम तुमको बुला लेंगे। आइए आइए दरोगा बाबू, बैठिए बैठिए। बड़े भाग की बात है, आप जैसे महामाननीय हमारे घर पधारे। महामाननीय तो आप है हरी बाबू, हमारा मेलजोल तो ज्यादातर चोर चक्कर होता है। जी हाँ, वो तो ठीक है। अरे भाई सुंदर लाल, दरोगा बाबू तो नहीं कुछ जलपान का इंतजाम कर रहे हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप जरा अपनी लड़की को बुला लीजिए, मैं उससे कुछ पूछना चाहता हूँ। दरोगा बाबू, जमाना कितना बदल गया है, पहले हमारे घर की बहू बेटियां कभी किसी के सामने नहीं जाती थी। जी आप ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन आपकी बेटी मेरी बेटी के समान ही है। हाँ बिल्कुल, जैसी आपकी इच्छा। राधा बिटिया, राधा बिटिया, राधा आ बिटिया, देखो तुम्हारे दारोगा चाचा आए। नमस्ते करो बिटिया, नमस्ते करो, तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। राधा, मैं तुमसे उस 10,000 रुपए के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर मालूम हो तो सच सच बतला देना। हाँ हाँ बेटा, बोल दे, ये रुपया के बारे में तो कुछ नहीं जानती। अरे बाबू, सवाल मैं आपकी बेटी से कर रहा हूँ, आपसे नहीं। जी हाँ बेटी। दारोगा बाबू, वो रुपया हम शिव को दिया था। राधा, अच्छा हरी बाबू मैं चलता हूँ, जो कुछ जानना चाहता था जान लिया। कमीना, जलील, हमारा 500 रुपया भी नहीं खाया हुजूर, वापस कर दी। क्या बताऊं हुजूर, दरोगा तो बड़ा ही बेअकल निकला, मगर अपनी राधा भी ज्यादा सियानी हो गई है। राधा, ये है मास्टर। आओ आओ मास्टर, तुमने सुना कि नहीं, हमारा शिव, हमारा सौतेला भाई शिवराम, उसने चोरी किया, वो चोर है। नहीं गंगा भैया, शिव ने चोरी नहीं की, दरोगा बाबू उसे छोड़ रहे हैं। मैं तुम्हें लेने आया हूँ मास्टर। हाँ, वो रुपया राधा ने शिव को दिया था। राधा ने शिव को दिया था?
शिव ने चोरी नहीं किया था। शिव चोर नहीं है। पर्वतिया, ए पर्वतिया, अरे हमारा शिव चोर नहीं है रे, हमारा शिव चोर नहीं है। मास्टर, मैंने उसे मारा, बहुत मारा मास्टर, सारे गांव के सामने जनावर की तरह मारा। अरे मैं उसका सौतेला भाई हूं ना, इसीलिए मारा। रो नहीं गंगा भैया, रो नहीं। चलो मेरे साथ थाने चलो। आप नहीं, हम मुंह नहीं दिखाएंगे। तुम्हें ने तो मुंह दिखाने के लिए मना किया और कहा हम समझेंगे हमारा शिव मर गया। शिव तुम इधर जी भर के मार, जी भर के मार शिव, सबके सामने मार। ये ले शिव। सच कहती हूँ शिव, आजकल मैं कोई पार्टी नहीं अटेंड करती। नहीं नहीं गलत मत समझो, ऐसी कोई बात नहीं। रेखा, जानती हो आज तुम्हारे बचपन का क्या नतीजा भुगतना पड़ा मुझे? मेरी इज्जत, प्रेस्टीज, पोजीशन सब कुछ हाथ में मिल गया। क्या हुआ डैडी? होगा क्या, जो आदमी इस घर का नौकर बनने लायक नहीं था उसे मैंने तुम्हारी जिद की वजह से दामाद बना लिया। डैडी, मैं पूछता हूँ और कब तक ये आदमी मेरी इज्जत से खेलता रहेगा? एक तो पहले इसकी वजह से सोसाइटी में मुंह दिखाना मुश्किल था और आज बार में भी नाक कटवा दिए। जो वो सन सरकार मेरे आगे पीछे एक ब्रीफ के लिए घूमते थे उन्हीं के पास वो ब्रीफ भीख मांगने गया था। मैं उनसे बात करूंगी डैडी। अब क्या बात करूंगी तुम, पानी सर से गुजर चुका है। उसे अगर सुधरना होता तो बहुत पहले सुधर जाता। तालीम और लिबास से आदमी की अपीयरेंस बदली जा सकती है, उसका कैरेक्टर नहीं बदला जा सकता, खानदान का असर नहीं बदला जा सकता। सबसे बड़ी बात तो ये रेखा, खून की आदतें नहीं बदली जा सकती। सुनो, क्या तुम मुझे घर में भी शांति से जीने नहीं दोगे? डैडी कह रहे थे। मैंने सब कुछ सुन लिया। तो ये सच है कि तुम बोस सरकार के पास ब्रीफ मांगने गए थे? हाँ, गया था, क्योंकि तुम्हारे डैडी ने खुद। मैं? तुम समझते हो दुनिया में सिर्फ तुम्हारे भैया और भाभी की इज्जत है, मेरे डैडी की कोई इज्जत नहीं। लेखा, तुम्हारे डैडी सिर्फ मेरे ससुर ही नहीं, गुरु भी है ना। मैं उनकी जितनी इज्जत करता था शायद ही तुम दूसरा करेगा। मेरे भैया और भाभी अनपढ़ हैं, लेकिन अगर तुमसे कोई गलती हो जाए तो वो तुम्हें बुरा कहेंगे, तुम्हारे खानदान को नहीं, तुम्हारे खून को नहीं। लेकिन तुम्हारे डैडी तो अनपढ़ नहीं, पढ़े लिखे हैं, कल्चर्ड, उसके बावजूद भी डैडी को क्रिटिसाइज करते हो, मगर ये भूल जाते हो कि आज भी तुम्हें दोनों वक्त उन्हीं का दिया खाना पड़ता है। रेखा, ये दोनों कहाँ चले गए? बेबी की तबीयत खराब है, वो खाना नहीं खाएंगे। और जवाहर साहब हमेशा के लिए घर छोड़कर चले गए। क्या, घर छोड़कर चले गए? हाँ, माफ कीजिएगा साहब, आखिर जवाहर साहब किसान की औलाद है, उनके रगों में किसान का खून है। जो किसान दुनिया का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करता है, अगर उसे दो वक्त की रोटी का ताना दिया जाए तो वो कैसे सहन करेगा? क्या तुम आज बहुत ज्यादा बकने लगे हो शम?
हम तुझे ही ढूंढ रहे थे। क्यों, क्या बात है? राधा ने तुझे बुलाया है, वो शिव मंदिर में बैठी है। अच्छा तो चल हम आते हैं। राधा, हाँ शिवराम, राधा को ये बात तुमसे कहने में शर्म लग रही थी, इसलिए हमें आना पड़ा। बात यह है शिवराम कि राधा की शादी हम तुमसे नहीं कर सकते, इज्जत का सवाल है, और राधा को हम दुखी भी नहीं देख सकते। बड़ी मुश्किल से हमारे मन पसंद की लड़की से शादी करने को तैयार हुई है। हाँ, लेकिन उसने एक शर्त भी रखी है कि हमें तुम्हारी जमीन बगैर पैसे के वापिस करनी होगी। हाँ, ये देखो ना, कागजात भी साथ में। राधा ने कही बात? हाँ तो और क्या, हम झूठ बोलेंगे? ये लड़की की खुशी का सवाल है, वरना आजकल के जमाने में 7-8 हजार रुपया छोड़ना कोई मजाक नहीं है शिवराम। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वैसे तो हम तुम्हारी जमीन वापिस कर ही देंगे, लेकिन तुम्हें गांव छोड़कर जाना होगा जब तक राजा की शादी न हो जाए, और इसके लिए और पैसों की जरूरत हो वो भी हम देंगे। ठीक है, हम गांव छोड़कर चले जाएंगे, आपसे वादा करते हैं। हम जानते थे बेटे, ये लो कागजात। नहीं, हम गरीब किसान जरूर हैं, लेकिन भिखारी नहीं। आप हमें 3 महीने की जगह 1 साल की मोहलत दे दीजिए, हम रुपया कमा कर अपनी जमीन छुड़ा लेंगे। अरे बेटे, 1 साल तो क्या, हम तुम्हें 3 साल की मोहलत देते हैं, जब भी कभी रुपया आए वापिस कर देना। वैसे तो हम तुम्हें जमीन यही दे रहे थे। अजब सी बात जिसमें मुझको हंसना आए, है अजब सी बात जिसमें मुझको हंसना आए, जो मुझी से है वो मेरी माटी से शर्माए। आपास मेरे मतवाले भरम ये क्यों बेकार के, मेरा सब कुछ उसी कहे जो चूले मुझको प्यार से धरती कहे पुकार के। ए, अरे है, क्या कर रहे हो भाई? बाबूजी, हम इसकी सफाई कर दें? ठीक है बाबा, कर दो, लेकिन एकदम से सफाई मत कर देना। नहीं नहीं बाबूजी। कि रही आता कत नैना ढूरे रे भी। अरे रे 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 रे। ये क्या? हमारे पास दूसरा कपड़ा नहीं है बाबूजी, इसके लिए। लगता है शहर में नया नया टपके हो। नहीं नहीं बाबूजी, टपके नहीं, रेलगाड़ी से आए हैं, हमें रुपया कमाना है। हाँ बाबूजी, हमें रुपया कमाकर अपनी जमीन छुड़ानी है। हमारी जमीन महाजन के पास गिरवी है। गाड़ी साफ करके जमीन छुड़ाओगे? अरे भैया, यही सपना लेकर एक दिन मैं भी इसी शहर में आया था। सोचा था रुपए कमाकर जमीन छुड़ाऊंगा, लेकिन वो सपना भी टूटा और जमीन भी चली गई। क्या देख रहे हो? सच कह रहा हूं, सिर्फ मैं ही और तुम नहीं, हम लोगों की तरह लाखों किसान इस शहर में यही सपना लेकर आए। कोई कुली बन गया, कोई मजदूर और कोई रिक्शे वाला, मगर कोई वापस नहीं लौटा। सब इसी शहर में फटक फटक कर अपने दम तोड़ रहे हैं। बाऊजी, घबरा गए? डर गए सच्चाई से? नहीं नहीं बाऊजी, हमें तो रुपया कमाना ही पड़ेगा, हमें तो अपनी जमीन छुड़ानी ही पड़ेगी,
हमें एक साल की मोहलत दी गई है। गाड़ी साफ करके एक साल में कितने पैसे कमा सकोगे? अच्छा, तुम्हें गाड़ी चलाने आती है? हाँ बाबूजी, हम बैलगाड़ी अच्छी तरह से चला सकते। अरे बैलगाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, टैक्सी की, मोटरसाइकिल। ये तो पहले अपने गांव में कभी देखा भी नहीं बाबूजी। लेकिन यही एक रास्ता है जिससे तुम चार पैसे ज्यादा कमा सकते हो। लेकिन हमें सिखाएगा कौन? हमारी तो यहाँ रहने की जगह भी कोई नहीं। अच्छा, तो एकदम केरा फुटपाथ। कोई बात नहीं बंधु, अपना सपना तो पूरा हुआ नहीं, चलो कोशिश करके देखते हैं, शायद तुम्हारा सपना पूरा हो जाए। आओ मेरे साथ। कहाँ बाबूजी? अरे अपनी हवेली पर, वहां तुम्हारे जैसे दो चार पहलवान पहले से मौजूद है। सच बाबूजी? हाँ, बैठो, ठहरो, पहले एक वायदा करो। क्या बाबूजी? अगर जिंदगी में कभी तुम पैसे कमा सके तो अपने गांव वापस चले जाओगे। वो जमीन अगर नहीं छुड़ा सके तो दूसरी जमीन ले लोगे, इस शहर के फुटपाथ पर नहीं, अपने गांव में, अपनी धरती पर दम तोड़ोगे। मैं वादा करता हूं, मैं वादा करता हूं। बैठो। जाने दीजिए अंकल, आज के जमाने में और फिर हमारी सोसाइटी में ये बातें सोचकर परेशान होने की क्या जरूरत है? वो मैं जानता हूं अशोक, मगर बात यह है कि ये लड़की भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह जिद्दी है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि पुराने हालात इसके दिमाग पर भूत बनकर सवार है। तुम तो जानते हो अशोक, तुम्हारी आंटी ने जिंदगी में कभी मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। एंड दिस गर्ल हैज गॉट द सेम नेचर। सिर्फ आंटी की बात नहीं अंकल, उस आदमी की सोबत का असर भी तो पड़ा होगा। कुछ वक्त गुजर जाने दीजिए, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। यही सोचकर मैंने तुम्हारे डैडी से कहकर तुम्हें विलायत से यहां बुलवाया है। शायद तुम नहीं जानते अशोक, तुम्हारे डैडी और मैंने मिलकर बहुत पहले यह सपना देखा था कि तुम और रेखा। हेलो अशोक। हेलो रेखा। अच्छा तुम दोनों बैठकर बातचीत करो, मैं तब तक कपड़े बदल कर आता हूं। आपके डैडी काफी परेशान नजर आते हैं। आदत से मजबूर। अचानक आप फ्लाइट से वापस क्यों आ गए? मैंने तो सुना था आप नहीं आएंगे। इरादा तो यही था, लेकिन डैडी की अचानक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि मुझे आपके डैडी का जूनियर बनकर यहाँ रहना होगा, और अंकल ये भी कह रहे थे कि चल लीजिए। थैंक यू। देखिए मेरा ख्याल है इस तरह आपका रात दिन घर में पड़े रहना अच्छा नहीं, आपको घूमना फिरना चाहिए, हंसना खेलना चाहिए। और मैंने ये भी सुना है कि आपने आजकल किसी पार्टी वार्टी में जाना भी छोड़ दिया है। आपको आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, मगर लगता है मेरे बारे में काफी कुछ मालूम हो चुका है आपको। क्यों नहीं, कुछ तो आपके डैडी ने बताया, और फिर आप जानती हैं कि हमारी सोसाइटी में इस किस्म के चर्चे होते ही रहते हैं। यही वजह है अशोक बाबू, जिसके लिए मैंने पार्टियों में जाना छोड़ दिया है। ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी शीला मैम का फोन आया है। एक्सक्यूज मी, आप बैठिए, मेरा ख्याल है गाड़ी अभी आते होंगे। वो सब ठीक हो जाएगा सुंदर। वो तो ठीक है हुजूर, मगर चंदनपुर के चौधरी की उम्र तो बहुत हो गई है। अरे सुंदर लाल, शादी ब्याह के मामले में उम्र नहीं, खानदान देखा जाता, हैसियत देखी जाती। हमने तो दिन भी तय कर दिया, अगले महीने की 10 तारीख। अच्छा हाँ, एक बात मालूम है, हमारी राधा बिटिया के ब्याह में तिलक दहेज देने की बात तो और रही, शादी में दोनों तरफ का खर्चा वही देंगे। अच्छा, तो असल बात ही है। क्या बोला? पता नहीं चला, कोई बता नहीं पाया कि अजीब गांव है कलकत्ता। अरे हम बैलगाड़ी चलाते हैं, गांव में किसी से भी एक बार पूछने से बता देता सुखिया कौन है। यहाँ मोटर गाड़ी चलाता, कोई उसे जानता ही नहीं। अब क्या होगा कुछ समझ में नहीं आता। सुखिया भैया, तुम हमारे लिए और कितनी तकलीफ उठाओगे? हमें काशी की गाड़ी पर चढ़ा दो, हम नानी के पास चले जाएंगे, फिर तुम गाँव लौट जाना।
गांव लौट जाना। खूब कहा तूने। अगर ये बात तेरे बाप को अब तक मालूम हो गई होगी कि तू हमरे साथ चली आई है तो मार मार के चमड़ी उधेड़ देगा और फिर खाल खींच के भूसा भी भरवा देगा। तुम काहे झूठ मुझन को रोका? हमें मर जाने देते, सब ठीक हो जाए, हमें ही बदले से। रोने भी लगी। अरे पगली, हमने थोड़े तुझे कुछ कहा। नहीं नहीं मत रो मत रो, हम अकेले तुझे यहाँ छोड़ के थोड़े ही चले जाएंगे। लेकिन क्या करी? अरे राधा, ये बात तो बिल्कुल दिमाग से निकल गई थी कि मोतिया यहाँ वकील है और कचहरी जाता होगा और उसको शिव का पता भी मालूम होगा। हाँ चल चल, लोगों से पूछते पाछते कचहरी तक पहुंच जाएंगे। हाँ चल जल्दी कर। कम से कम अगर ये केस मुझे मिल जाए तो मेरे लिए बहुत ही। प्लीज ट्राई योर बेस्ट, आई शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा मोती बाबू, डोंट वरी। मोतिया तू यहाँ? सुखिया तू घूमते घूमते सूख गया, हम अकेले थोड़े ही हैं, ये भी तो साथ है। राधा जी यहाँ कैसे? और कैसे, शिव की तलाश में। शिव यहाँ कलकत्ता में है? ये लो, तुझे नहीं मालूम? वो तो एक बरस हुआ गांव छोड़ दिया, आजकल यहाँ मोटर गाड़ी चलाता है। एक बरस हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। मोतिया अब तो पता लगाना ही पड़ेगा, राधा जो आ गई है। राधा ये तुमने अच्छा नहीं किया, तू इस तरह क्यों चली आई? और का है, बाप ने ये की दूसरी जगह शादी तय कर दी। कहा बताऊं मोतिया, ये चली थी जान देने, वो तो भगवान की कृपा हुई कि हमने देख लिया। कहने लगी एक बार भगवान के सामने जिसको पति माना है वही हमारा पति है, अगर वो न मिला तो हम जी के क्या करब। पता तो हमें भी नहीं मालूम था, सोचा यहाँ की कचहरी में तो तू मिल ही जाएगा। सर अब जो हो गया सो हो गया। लेकिन मोतिया, राधा को तू अपनी ससुराल ले जाएगा तो? नहीं सुखिया, अब वो सवाल ही नहीं रहा, मैंने अपना ससुराल छोड़ दिया। और क्या हुआ मुझसे पूछती हो? जाकर उस काउंटर से पूछो जिसने मुझे चीट किया, जो मेरी लड़की की जिंदगी से खेला। ये सब आप क्या कह रही हैं डैडी? जानती हो उस कमीने इंसान की दूसरी बीवी है डैडी? हाँ, वो पहले शादी कर चुका था और आज उसकी बीवी गांव से यहाँ आ गई। नहीं, ये नहीं हो सकता है। मुझे मालूम था तुम मेरी बात से यकीन नहीं करोगी, मगर मैं सब कुछ कानों से सुनकर आंखों से देखकर आया हूँ। इस लड़की का नाम है राधा। अब भी अगर यकीन न हो तो सुरेंद्र बाबू को फोन करके पूछ लो, वो भी मेरे साथ थे। क्या देख रही, समझ रही हो मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं? नहीं डैडी, इतना नीच काम आप कभी नहीं कर सकते। तुम हमेशा कहते थे कि औरत के लिए पति देवता, उसका घर स्वर्ग होता है। स्वर्ग तो मैंने भी देखा, मगर देवता का क्या यही रूप होता है? सच्चे प्यार और विश्वास का यही फल होता है। उनको जाने के लिए कह दूं? नहीं, उनको बैठने के लिए कहो, मैं कपड़े बदल के आती हूं। हेलो अशोक बाबू। हेलो मिस रेखा। तशरीफ रखिए, बैठिए ना। रियली मिस रेखा, आई एम एक्सट्रीमली शॉक्ड टू हियर ऑल दिस। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि जिस आदमी को आपने इतना प्यार दिया। उसकी बात जाने दीजिए, आप अपनी बात कीजिए। आजकल आप यहाँ आते क्यों नहीं? क्या बताऊं मिस रेखा, मुझे ऐसे लगा जैसे आपको मेरा यहाँ आना जाना पसंद नहीं। तुम भी सिली, कहिए आप क्या पियेंगे, चाय? जी इसकी कोई जरूरत नहीं, अगर आपको इतराज ना हो तो लेट्स गो फॉर अ ड्राइव, आपका दिल भी बहल जाएगा। आप क्या समझे, मैं बहुत दुखी हूं। चलिए कहां चलना है, आइए।
आइए। यही वह मकान है जिसे मैंने बड़े शौक से खरीदा है। काफी देर हो गई, मेरे ख्याल में हम किसी और दिन आके देख लेंगे, अब चलिए। जब यहाँ तक आई गई हैं, तो देखने में क्या हर्ज है? मेरी खुशी के लिए। मिस रेखा, ऐसा लगता है उस गंवार अनकल्चर्ड आदमी को आप अभी तक दिल से नहीं निकाल सकी। चलिए आइए। जिस दिन का मुझे इंतजार था, खुशकिस्मती कि आज वो दिन आ ही गया। आइए। तशरीफ रखिए। नाउ टेल मी, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? समथिंग कोल्ड और समथिंग हॉट? जी नो थैंक यू, मेरा ख्याल है कि अब हमें चलना चाहिए, काफी देर हो गई। डैडी सोचेंगे। नहीं, आप मेरे साथ आई हैं, ये सुनकर आपके डैडी खुश होंगे। शायद इसलिए कि वो आपको अच्छी तरह जानते नहीं। जी चलिए। नहीं अशोक, आज मैं तुम्हें इस तरह से नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे डैडी ने कहा है जिस तरह भी हो मैं तुम्हारा दिल जीत लूं। ये ख्याल आपको कैसे आया कि इस तरह एक लड़की का दिल जीता जा सकता है? रास्ता छोड़िए। नहीं, तुम्हारा दिल नहीं जीत सकता तो तुम्हें मजबूर कर दूंगा, बेबस कर दूंगा। तुमने कई बार कई तरह से मेरा अपमान किया है, आज मैं तुम्हारा सारा घमंड तोड़ दूंगा। अशोक बाबा। चिंता नहीं रह सकता। दरवाजा खोल दीजिए, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाओ, जी भर के चिल्लाओ, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। इस चार दीवारी में तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा, इस नाते में तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। आखिर तुम जानवर ही निकले। हाँ। मुझे जाने दो। कहाँ जाओगी? नीचे जाकर टैक्सी में बैठ, हम इस परिवार में अभी बैठाने चाहते हैं। कहा बाबू, हम तो गवार हैं, अनकचराड हैं, तू तो शरीफ है, हैं? बात तो हर सराफती का ही नमूना है। हमारे घर की बहू की इज्जत लूट। समाज की यही रीत है कि अपने पति को घर में छोड़ पराए मर्द के साथ तफरी करो। आखिर तुम्हारे भाई ने मेरे साथ क्या किया? आज तक मुझे छुपा के रखा कि पहले भी उसकी शादी हो चुकी। ए भौजी, क्या बात कर रही है? सच कह रही हूँ, गांव से उसकी बीवी आई है, उसका नाम है राधा। राधा यहाँ आई है? जानते हैं। अरे भौजी, तू नहीं जानती राधा तो। चल चल, तू घर चल, तुझे सब कुछ बताता हूँ। चल
अंदर नहीं चलोगे? नहीं भौजी, एक दिन मैं इस घर को भैया और भौजी का घर समझकर आया था, लेकिन इसमें से मुझे आंसू बहाकर जाना पड़ा। अब मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा भौजी। कहाँ जा रही है? जहां मुझे जाना चाहिए। डोंट बी सिली, जाओ, ऊपर जाओ। अचानक ऐसा क्या हो गया जिसके लिए तुम घर छोड़ के जा रही हो? डैडी, आज मेरी आंखें खुल गई। मैंने आपका समाज, आपकी सोसाइटी, आपका कल्चर सब कुछ देख लिया, और उन लोगों को भी देख लिया जिनके घर की मैं बहू हूँ। डोंट टॉक नॉनसेंस। डू यू वांट टू गो टू दैट हेल? उस नरक में जाना चाहती हो तुम? हाँ डैडी। नहीं, तुम नहीं जा सकती। मैंने फैसला कर लिया है। What? ठीक है, तो मेरा फैसला भी सुन लो। तुम अगर इस घर से जाओगे तो ये दरवाजा तुम पर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मेरी दौलत में से एक पैसा भी तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं तो एक किसान के घर की बहू हूँ, मुझे आपकी दौलत की क्या जरूरत है? Shut up! Get out! Get up! I say get out! मैं समझूंगा मेरी बेटी मर चुकी है। राधा, देख किसे लाया हो। देख कौन है। टीका हो गया? कुछ नहीं, मगर मगर राधा तू इस तरह काहे चल गया? हमने तेरे बाप को वचन दिया था, इसीलिए तो उन्हें वसूली की मुद्दत बढ़ा दी थी। अब जाने कहाँ होगा, कैसा बदला लेगा तेरा बाप हमारे भैया से? हमसे रहा नहीं गया शिव, हम तो मरने गए थे, सुखिया भैया ने हमें बचा दिया। राधा। हाँ, तू तो हमेशा यही समझता था कि हम सिर्फ धमकी देते हैं। हमने भगवान के सामने तुझे पति मान लिया है, इसीलिए तेरे पास चले आए। अगर तू आसरा देना नहीं चाहता तो कह दे, हम कहीं भी चले जाएंगे, कभी बोझ नहीं बनेंगे। ऐसा मत कह राधा, का तू नहीं जानती तुझे छोड़कर आने में हमें कितनी तकलीफ है। पर का करें, भैया की जमीन के लिए हमें ये सब करना पड़ा। हम दोनों तो भैया के सौतेले भाई, लेकिन भैया और बहुजी ने हमें अपने बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। आज भैया की सारी तकलीफ मोती भैया के लिए है, इसीलिए तो ये प्रायश्चित हमें करना पड़ा। जमीन तेरे लिए सब हम कुछ भी नहीं। का बात करती है, का तू नहीं जानती तू हमारे लिए का है? एक बरस से कलकत्ते में है, पर कसम ले ले जो किसी भी लड़के की तरफ आंख उठाकर देखा हो। मत रो राधा, मत रो। क्या बात है सुखिया? और का राधा किशन का मिलन हो रहा है। राधा शिवा है क्या? अरे कहाँ जा रहा है, हम तो जीत हैं। शिव, शिव या शिव, ये क्या हुआ तुझे? कुछ भी तो नहीं, बस यही चोट लग गई थी। हाँ शिव, आखिर मुझसे ऐसा कौन सा कसूर हो गया कि तू एक साल से कलकत्ते में और एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया? तेरा मोती भैया इतना गाया गुजरा है कि तू उसका मुंह भी देखना नहीं चाहे? नहीं नहीं मोती भैया, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा था। किसी एक ने भी तो मुझे सही नहीं समझा, दुनिया भर की गलत फहमियों का शिकार मैं ही बना। भैया शिव, मैं तुझसे एक बात कह देता हूँ, मुझे पढ़ाने के लिए भैया ने जो जमीन गिरवी रखी है, जब तक मैं उसे छुड़ा ना लूं भैया का अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, चाहे मेरी जानी क्यों ना चली जाए। इनमें कौन सी बड़ी बात है मोती भैया, अब तो हम भी कमाते हैं, दोनों भाई मिलकर रुपया जमा करेंगे और अपनी जमीन छुड़ा लेंगे। पर मोती भैया, इन राधा ने सब गड़बड़ कर दी, इस तरह चली आई जाने एक का बाप भैया के साथ कहां सुलूक करेगा? क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता हूं। राधा ने अच्छा किया वो यहां चली आई। शिव, तो कितना खुशकिस्मत है, जाने का भगवान के सामने उसने तुझे अपना मान लिया,
और उसी रिश्ते को सच मानकर बाकी सब कुछ छोड़ दिया। कहां गांव की एक अनपढ़ भोली भाली लड़की, कहां। नहीं नहीं मोती भैया, हम लोगों ने भौजी को भी गलत समझा। मछली भौजी तो बहुत अच्छी है। तू रेखा से मिला है क्या? हाँ हाँ, ये बात तो हम बताना ही भूल गए। हमारी टैक्सी में तो वो घर ही थी, पर हम कहते हैं भैया मछली भौजी से एक बार तुम जरूर मिलो। नहीं शिव, बहुत अपमान सहकर मैं उस घर से निकला हूँ, अब जिंदगी में दोबारा वहां कभी नहीं जाऊंगा। भौजी रेखा, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? सब कुछ छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास चली आई हूं। लेकिन तुम्हारी दौलत, वो सोसाइटी, इतना बड़ा त्याग स्वीकार करने में तकलीफ नहीं होती? क्यों, आदमी को साक्षी रखकर जिसे पत्नी माना था, अगर तुम उसे छोड़कर आ सकते हो तो क्या मैं दौलत और सोसाइटी को नहीं छोड़ सकती? खैर छोड़ो, डैडी ने तो मुझ पर अपने घर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब तुम कहो क्या इस घर का दरवाजा भी मेरे लिए बंद है? अरे क्या बात करती, कौन बंद कर सकता है भौजी इस घर का दरवाजा तेरे लिए? किसकी हिम्मत है? अगर मोती भैया कोई ऐसे वैसे बात करेंगे ना तो हम बड़े भैया को अभी चिट्ठी लिख देंगे। हाँ ये देखो, तू कह रो रही है हा? राधा तू वहां का खड़ी है, इधर आ जल्दी आ। ये देख, ये हमारी मछली भौजी है, देख 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 कितनी खूबसूरत है, है ना? का खुशी का दिन है। ए मोती भैया, तुम उन्हें क्या कह बैठे हो? तुम भी मुझे हो ना, क्या तुम तुम ऐसे कहते हो? हमारा तो जी करता कि उड़ के जाए भैया भौजी को लेके। कहाँ सुखिया? नहीं नहीं हम वहाँ नहीं जाए, बल्कि तू वही गाना गाओ ना। कौन से गाना रहे? हाँ, खुशी की रात आई नाचो धूम नू। क्या बात है भाभी? आप जल्दी चलिए मास्टर जी, गंगा भैया को पुलिस पकड़ लेंगे। क्यों, बात क्या है? कहा मालूम मास्टर जी, गंगा भैया अपने खेत में फसल काट रहे थे, पुलिस आकर बोली ये खेत हरी बाबू का है और फसल चुराने के इल्जाम में गंगा भैया को ले गई। ये कैसे हो सकता है? वो जमीन तो भाभी तुम्हारी है। ये तो हम जानते हैं मास्टर जी, पर सुना है हरी बाबू ने पुलिस को अदालत का कागज दिखाया कि ये जमीन वो की है। क्या? हाँ मास्टर जी, ये जमीन का टुकड़ा तो हमारे खानदान के लिए अभिशाप बन गया, इसलिए हम अपने दो देवर गवा बैठे और आज हमारे पति जेल जा रहे हैं। आप हमें हरी बाबू के पास ले चलिए, हम उनके पाँव पकड़ के कहेंगे कि ये जमीन का टुकड़ा लेके हमें मुक्ति दे दे, गांव छोड़कर चले जाएंगे, पर हमें ये जमीन का टुकड़ा नहीं चाहिए। नहीं भाभी, तुम्हारी एक टुकड़ा जमीन ही सारा देश नहीं, और हरी बाबू भी एक नहीं, जमींदार चले गए लेकिन उनकी जगह लाखों हरी बाबू महाजन बनकर आ गए, और वही जुल्म आज भी हो रहा है जिसकी खबर कानून के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि जुल्म सहने वाले आज भी कमजोर और अनपढ़ हैं, और एक नहीं लाखों गंगा भैया इस तरह अपना सब कुछ खोकर गांव छोड़कर चले जाते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, इसका प्रतिकार होना ही चाहिए। महेश बाबू कौन है? वो हमारे गांव के मास्टर जी हैं। पर भौजी क्या बात है, चिट्ठी में कोई बुरी खबर है का? सुन प्रिय शिव, ये चिट्ठी मिलते ही मूर्ति बाबू को लेकर फौरन मानिकपुर चले आओ, तुम्हारे खानदान पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। हरी बाबू ने झूठी दलील के जोर पर अदालत से जमीन का दखल ले लिया है और गंगा भैया आज पुलिस की हिरासत में है। मैंने बहुत कोशिश की मगर जमानत न हो सकी। हरी बाबू ने हर तरफ से होशियार होकर ये सब किया है, और शिव सबसे बड़ी दुख की बात यह है, हमें तो पहले ही मालूम था कि यही होने वाला, ये सब ई के लिए हो रहा है। जब से ई लड़की का नाम हमारे घर में आया है, एक से एक आफत आ रही है। घर छोड़कर चली आई मनोज कहीं की,
सकल देख लो तो बना हुआ काम बिगड़ जाए। ये चादर गोल फोड़ दू। होश में आप क्या कर लिया? जाओ जल्दी से अपने भैया को लेकर आओ। जाओ घर में? घर में नहीं तो कहां गई? कहीं दुख के मारे। दुख के मारे? हाँ, शिव ने गुस्से में आकर उसे कुछ कह दिया। क्या कहा? क्या कहा तूने उसे? कुछ नहीं भैया, बस वो चिट्ठी की बात पर हमें गुस्सा आ गया और हमने, लेकिन हमने कुछ छुपाया। स्टूपिड, वो जड़गार कहीं का, इतना बड़ा हो गया बचपना नहीं कहते रहा। जी चलते हैं आपके दूध में। जानो वो बेचारी कहां चली गई होगी, वो सुखिया भी तो नजर नहीं आता। तो खड़े खड़े मेरे मुंह क्या देखा है? जा टैक्सी लेके ढूंढ के ला दोनों को। ये वही चिट्ठी है? पढ़ चुकी है? हाँ, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि डैडी हमारे साथ ऐसा करेंगे। इसमें घबराने की क्या बात है, सामना तो हमें करना ही होगा। मेरे साथ साथ कहिए, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। और सच के सिवा कुछ न कहूंगा। और सच के सिवा कुछ न कहूंगा। क्या यह सच है हरि बाबू कि आप अपनी बेटी की शादी गंगाराम के मजले भाई से करना चाहते थे? जी हाँ। इस शादी में तहेज के तौर पर आप क्या देना चाहते थे? हमने हजूर कहा था कि कर्जा माफ कर देंगे और जमीन ऐसे ही दे देंगे। क्यों गंगाराम, क्या यह सच है? बोले तो कुछ ऐसे ही थे। तो फिर ये शादी हुई क्यों नहीं? क्योंकि गंगाराम का मंझला भाई शादीशुदा था हजूर। Point to be noted, Your Honor. क्यों गंगाराम, क्या यह सच है कि तुम अपने शादीशुदा भाई का रिश्ता हरि बाबू की लड़की से तय करने गए थे? साहब, हमें नहीं मालूम था ना कि मोतिया की शादी हो चुकी है। अच्छा हरि बाबू, आपको इस बात का कब पता चला? जब खुशी के मारे हमने सारे गांव को दावत दे दिया, उसी में हमने हुजूर ऐलान कर दिया कि हमारी राधा बिटिया की शादी मोती बाबू से तय हो गई। उसके बाद उस दावत में क्या गंगाराम के साथ मोती बाबू भी मौजूद थे? जी हाँ। अच्छा गंगाराम, मान लिया कि तुम्हें नहीं मालूम था कि मोती बाबू शादीशुदा है, लेकिन क्या मोती बाबू भी भूल गए थे कि वो शादीशुदा है? बोलो गंगाराम, चुप क्यों? बोलो। अब हम कहा बोले वकील साहब, आप खुद सोचिए ना, जाके उसी से क्यों नहीं पूछते? हरि बाबू, आपको किसने बताया कि मोती बाबू शादीशुदा है? वकील साहब, दो तीन दिन के बाद गंगाराम हमारे घर पर आया और कहने लगा मोतिया शादीशुदा है, आप अपनी बेटी की शादी मेरे छोटे भाई शिवराम से कर दीजिए। तो फिर आपने क्या कहा? हमने इनकार कर दिया। उसने आपको इतराज किया? वकील साहब, इतराज की बात नहीं, ये तो हमारी इज्जत पर हान पड़ी, मान भी जाते, लेकिन शिवराम की भी शादी हमारे दोस्त सुंदरलाल की बेटी से पहले ही तय हो चुकी थी। क्यों गंगाराम,
क्या यह सच है? हजूर, बात तो यह सच है, मगर बात यह है कि बात क्या थी मैं नहीं जानना चाहता। मैं जो पूछ रहा हूं सिर्फ उसका हां या ना में जवाब दो। जी योर ऑनर, आप अच्छी तरह जानते हैं हमारे गांव क्या है और समाज क्या है। आज भी हमारे गांव में किसी लड़की की शादी तय हो जाने के बाद रिश्ता टूट जाए, उसका उसके माँ बाप पर कितना असर पड़ता है, कितनी बदनामी होती है। योर ऑनर, यह इंसान सब कुछ जानते हुए भी रुपए और जमीन के लालच में एक नहीं दो दो शरीफ आदमियों की इज्जत से खेल चुका है। अरे बाबू, वो कौन सी जमीन है जो आप अपनी बेटी के दहेज में गंगाराम जी को देने वाले थे, और वो कौन सा कर्ज है जो आप माफ करने वाले थे? क्यों, हमारे पुरखों की जमीन जो गंगाराम को खेती करने के लिए दी गई थी, और वो मुआवजे के रुपए जो गंगाराम ने 30 साल से नहीं दिए। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ बोल रहा हूं? जमीन आपके पुरखों की नहीं, गंगाराम जी की है, और वो कर्ज खेती करने का मुआवजा नहीं बल्कि उसी जमीन को गिरवी रख कर लिया हुआ रुपया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये सवाल नहीं बल्कि गवाह पर इल्जाम लगाया जा रहा है। मुझे और कुछ नहीं पूछना। मुझे मालूम है योर ऑनर, इनके पास ऐसा कोई सवाल नहीं जिसके जवाब में ये साबित हो सके कि गंगाराम बेकसूर है। सिर्फ झूठ झूठ चिल्लाकर सच को झूठ नहीं बनाया जा सकता। नौजवान वकील को मालूम होना चाहिए ये खेत नहीं अदालत है। हल चलाना और वकालत करना एक चीज नहीं। योर ऑनर, गंगाराम पर चोरी और हतक इज्जत के इल्जाम तो मैं साबित कर चुका हूं। अब मैं ये साबित करना चाहता हूं कि हरी बाबू की इकलौती बेटी राधा को गंगाराम का चेचरा भाई बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था, और मेरे पास इस बात का भी सबूत है वो लड़की कलकत्ते में गंगाराम के भाइयों के पास पहुंचा दी गई थी। योर ऑनर, हो सकता है राधा का अगुआ हरिबाबू से बदला लेने के लिए किया गया हो सकता है उसकी जिंदगी खतरे में हो। वो कहां और किस हालत में है ये जानने के लिए मैं गंगाराम के छोटे भाई शिवराम को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। योर ऑनर, इससे पहले कि शिवराम को यहां बुलाया जाए, मैं अदालत से कुछ कहना चाहता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है योर ऑनर, ये केस गंगाराम जी के खानदान को तबाह करने के लिए जबरदस्ती बनाया गया है, इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मुझे कुछ वक्त दिया जाए ताकि मैं इस बदनसीब किसान को इस मुसीबत से बचा सकूं। मगर योर ऑनर, ये कैसे? मिस्टर मोती की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए इस केस को इस माह की 27 तारीख तक मुलतवी कर दिए। अरे मौजी, तू काहे घबराती? जब मोती भैया है तो ठीक है, वो डरती। मिस्टर महेंद्रनाथ, अदालत मिस्टर मोती की गैरहाजिरी को मद्देनजर रखते हुए आपको प्रोसीड करने की इजाजत देती है। थैंक यू ऑनर। मैं जानता था ऑनर, नौजवान वकील अपना मुंह लेकर अदालत में वक्त पर हाजिर नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी गंगाराम के खानदान का एक फर्द है। एंड ऑनर, गंगाराम की असलियत तो अदालत में जाहिर हो ही चुकी है। अब मैं गंगाराम के छोटे भाई शिवराम को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है? मेरे साथ साथ कहिए, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। और सच के सिवा कुछ ना कहूंगा। और सच के सिवा कुछ ना कहूंगा। क्या यह सच नहीं है शिवराम कि हरी बाबू की लड़की राधा कलकत्ते में तुम्हारे पास थी? जी हाँ, थी। राधा कलकत्ते किस तरह पहुंची थी? जी, वो हमरे चचेरे भाई सुखिया के साथ आई थी। छोड़, आई नहीं थी बल्कि तुम लोगों की शहर पर उसे जबरदस्ती लाया गया। नहीं नहीं हुजूर, हम भला ऐसा क्यों करेंगे? ताकि तुम हरी बाबू से अपनी दुश्मनी का बदला ले सको। मेरे पास इस बात का भी सबूत है शिवराम कि तुमने कलकत्ते में राधा को मारा, पीटा, उस पर जुल्म किया। नहीं नहीं हुजूर, वो तो एक दिन गुस्से में। हुजूर, ये हमारे दोनों भाई हमें बर्बाद करके छोड़ेंगे सरकार। ऑर्डर ऑर्डर। अब राधा कहाँ है? वो रूठ कर कहीं चले गए। तुम फिर झूठ बोल रहे हो। तुम्हें मालूम है राधा कहाँ है? तुम लोगों ने उसे छुपा कर रखा है ताकि तुम हरी बाबू पर दबाव डालकर उनसे पैसे वसूल कर सको। अब बताओ राधा, तुम्हें अदालत में बताना पड़ेगा राधा कहाँ है। कहाँ है राधा? यहाँ है राधा। यहाँ
मेरी जमीन दखल। मुखिया, ये मुआ कौन है? यही तो मोतिया के ससुर है नानी। अच्छा, तो दोनों ससुर मिलकर दोनों दामादों को बर्बाद करना चाहते हैं? बूढ़ी माँ, अदालत की कार्रवाई में दखल मत दो, चुपचाप बैठ जाओ। हाँ हजूर, माई बाप आप कहते हैं तो मैं बैठ जाती हूँ, लेकिन इसे छोड़ना मत। चल हट कर। यस मिस्टर मोती। योर ऑनर, ये है हरि बाबू की लड़की राधा। इस केस के सारे सवालों का जवाब। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि सच्चाई को सामने लाने के लिए मुझे राधा को विटनेस बॉक्स में लाने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। मेरे साथ साथ कहिए, मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी। और सच के सिवा कुछ न कहूंगी। और सच के सिवा कुछ न कहूंगी। क्यों, अब डर गया? राधा, तुम कलकत्ते अपनी मर्जी से गई थी या तुम्हें कोई जबरदस्ती वहां ले गया था? हम अपनी मर्जी से गए थे। क्यों? हमरे बापू हमरा ब्याह पैसे के लालच में एक बुढ़े के साथ करना चाहते थे। हम तो अपनी जान देने गए थे, पर सुखिया भैया ने हमें बचा लिया और हम वो के साथ कलकत्ता चले गए। अच्छा राधा, ये जो जमीन है इसके बारे में तुम कुछ जानती हो? हाँ हजूर, ये जमीन गंगा भैया की है। उन्हें हमारे बापू के पास गिरवी रखकर रुपया लिया था। एक बार हमने भी 10,000 रुपया शिव को ये जमीन छुड़ाने के लिए दिया था। वो रुपया हमारा था हजूर, नानी ने हमें दिया था। हाँ हजूर, हमें ने दिया था। ये सब झूठ है यार ऑनर, ये लड़की झूठ बोल रही है, इसे झूठ बुलवाया जा रहा है। मिस्टर महेंद्रनाथ, गवाह झूठ बोल रहा है या सच, इसका फैसला अदालत करेगी, आप नहीं। प्रोसीड मिस्टर मोती। थैंक यू योर ऑनर। राधा, तुम्हारे पास इस बात का और कोई सबूत है जिससे ये साबित हो सके कि ये जमीन गंगाराम जी की है? हाँ। क्या है? ये लीजिए। ये क्या है? गंगा भैया की जमीन की असली दलील। नहीं, ये झूठ है। असली दलील तो हम रुक क्यों गए हैं बाबू? जवाब दीजिए, कहां है असली दलील? योर ऑनर, जी नहीं बता सकते क्योंकि असली दलील इन्होंने जला दी है, बर्बाद कर दी है। तो फिर ये क्या है? प्लेन पेपर सर। प्लेन पेपर? यस योर ऑनर, जिस तरह झूठ झूठ चिल्लाकर सच को झूठ नहीं बनाया जा सकता, उसी तरह सच सच चिल्लाकर झूठ को सच नहीं बनाया जा सकता। सच्चाई इसी तरह सामने आ जाती है योर ऑनर। एनी ऑब्जेक्शन मिस्टर महेंद्रनाथ? नो ऑब्जेक्शन योर ऑनर। प्रोसीड मिस्टर मोती। योर ऑनर, ये है शरीफ और इज्जतदार हरि बाबू की असली। मौजूद वकील ने गंगाराम जी और उनके खानदान पे काफी कीचड़ उछाला, मैं वो सब दोहराना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने इसी अदालत में कहा था कि हल चलाना और वकालत करना एक चीज नहीं। वो उस वक्त शायद भूल गए थे कि हल चलता है तभी तो उन्हें दो वक्त की रोटी मिलती। जिस किसान खानदान पे उन्होंने कीचड़ उछाला, आज उसी खानदान के एक लड़के ने वकील बनकर तो दिखा दिया। मेरी मौजूद वकील से दरखास्त है कि वो एक बार हल चलाकर तो दिखा दे। गंगाराम, अदालत तुम्हें बेगुनाह मानकर बाइज्जत बरी करती है। हमने जीत गए, हमने जीत गए भौजी, हमने मुकदमा जीत गए। मुझे भैया रे, डैडी, आप मेरे गुरु भी हैं, इस गुस्ताखी के लिए मुझे माफ कर दीजिए। महेंद्रनाथ जिंदगी में कभी नहीं था, आज भी नहीं। इट वॉज माई ओनली एम्बिशन, यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था। कंग्रेचुलेशन। राधा, राधा हमें माफ कर दे। शिव,
जेल के छानी खड़े हैं, उनके सामने ऐसी बेचैनी, चलो ले। बेटा हरी, बहुत पाप कर चुके हो, इसीलिए इस खुशी में हिस्सा नहीं ले पा रहे हो। अब लोभ लालच छोड़ो और चलो हमारे साथ काशी, समझे? बाबा विश्वनाथ के चरणों में बाकी जिंदगी हम दोनों काट लेंगे। अनपढ़ गवार भाई को चाहे जो से जाने दे, मगर हमें छोड़ के मत जा बेटा। नहीं भैया, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा भैया। गंगाराम, धन दौलत की लालच में हम अंधे हो गए थे, हमने तुम्हें बहुत दुख दिया, अब जाने के पहले हमें क्षमा कर दो, वरना हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, गंगाराम नहीं मिलेगी। ऐसा न कहिए हरी बाबू, ये गांव आपका है, ये गांव आपका है। नहीं गंगाराम, जमाना बदल चुका है, गांव किसानों का है, गांव को हरी बाबू की नहीं मास्टर की जरूरत है। ये लो गंगाराम, ये लो, तिजोरी में और भी किसानों के कागजात रखे पड़े हैं, उन्हें वापिस कर देना। आओ माजी।